हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस। अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप सब ने अपनी पूरी तैयारी भी कर ली होगी। जिस तरह से हमने डिसाइड किया था, पैटर्न बनाया था, उस तरह को उसको आप फॉलो कर रहे होंगे और कंफर्टेबल हो गए होंगे। लेकिन जैसे हमें अपने फुल कंप्लीट डे में अगर अपने मील को कंप्लीट करना है तो स्वीट डिश तो चाहिए, वैसे ही अगर हमें अच्छी रिविज़न बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ चाहिए तो एक बार सारे कंसेप्ट्स को ब्रश करना या अपने माइंड में रिवाइज करना, रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आपके लिए सारी रिवीजन क्लास रिकॉर्ड करेंगे जिसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किसी का कोई डाउट है तो वो सॉल्व हो जाएगा। एंड अगर कोई कंसेप्ट किसी का मिस हो रहा है, वो छूट रहा है या वो भूल रहा है, तो वो भी उसको वो क्लियर कर सकता है, कवर कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्टेट से। स्टेट्स हमारी वेटेज कितनी है, 40 मार्क्स की है। ये आप सबको क्लियर है कि 40 मार्क्स की हमारी स्टेट्स है, 20 मार्क्स की एलआर है और 40 मार्क्स की मैथ्स है। स्टेट्स में हर चैप्टर का में क्या क्या क्वेश्चन आने हैं, किस टाइप के कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने फॉर्मूला बेस्ड आने हैं, कितने कंसेप्ट बेस्ड आने हैं, कितने न्यूमेरिकल बेस्ड आने हैं, ये सब हम क्लियर कर चुके थे अपनी क्लास में। फिर भी आज हम थोड़ा थोड़ा इन चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि किस चैप्टर में से क्या क्या आ सकता है, क्या क्या प्रीवियस पेपर के बेस पे आने के चांसेस हैं, जिसको करके हम और कंफर्टेबल हो जाएं और कॉन्फिडेंट हो जाएं। ठीक है, तो अगर मैं सिलेबस की बात करती हूँ तो सिर्फ जो फर्स्ट और टू सेकंड यूनिट है मेरी, अगर मैं ये फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को अच्छे से कर लेती हूँ, इसका मतलब मैंने 50% सिलेबस अपना जो पेपर में वेटेज है कवर कर लिया। 50% वेटेज सिर्फ इन दो चैप्टर्स को करके हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब ये दो चैप्टर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा मेन चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी का आ रहा है, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्शन के भी सारे क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सारे कंसेप्ट्स आ जाएंगे। तो अब आप क्या करते हो कि चलो फटाफट से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, कैलकुलेटर उठाओ, न्यूमेरिकल करो। कैलकुलेटर भी उठा के हम न्यूमेरिकल करते हैं तो टाइम लगता है। कैलकुलेटर में भी कीज तो आपको प्रेस करने ही पड़ेंगे, स्टेप्स तो लिखने ही पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, सारे कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट जो हम समझते हैं कि हमें आते हैं, लेकिन जब हम बिल्कुल डिटेल में जाते हैं तो हमें पता चलता है एक्चुअल में जो बेसिक है। जैसे स्टेट्स के डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्या क्या नाम होते हैं, एक क्वेश्चन ये 100% वाले पेपर में आता है और बहुत ईजी भी है, लेकिन हमें एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते जाते हैं तो जो एक्चुअल में हमें चाहिए हम उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो पहले फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीज़ें मेनली फोकस करनी है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलेबस हम सारा कर चुके हैं, रिवाइज हम सारा कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उस चैप्टर में से हमें मेनली फोकस करनी है एट द टाइम ऑफ फाइनल रिवीजन, कि ये चीज़ें तो मुझे 100% पता होनी चाहिए और मैं इसको उस टाइम तो रिवाइज करूँगा ही करूँगा। तो आप क्या करोगे, रेड और ब्लू तो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, कोई भी डिफरेंट कलर का मार्कर लो चाहे पेंसिल लो, उससे उस चीज़ को मार्क करते जाओ कि हाँ ये चीज़ मुझे फाइनल रिवीजन के टाइम देखनी ही देखनी है। तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है, ठीक है। तो जब आप स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा की बात करते हो तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये हम क्लियर कर चुके हैं कि इस चैप्टर में से हमारे एग्जाम में, हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्या क्या नाम होते हैं, ये 100% एक क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सेस किसने कंडक्ट किया था, ये एक क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन आता है कि सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस, इसको याद करने के लिए मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया था, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस को याद करने के लिए मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया था कि इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो सिंगुलर मतलब वन आइटम, प्लूरल मतलब बहुत सारी, यही होता है। लेकिन स्टेट्स में ऐसा नहीं होता। स्टेट्स में मतलब होता है, प्लूरल का मतलब होता है स्मॉल डेफिनेशन, सिंगुलर का मतलब होता है एज अ होल, कंप्लीट डेफिनेशन। तो प्लूरल मतलब आपने डाटा को कलेक्ट किया। अब डाटा कलेक्ट करके क्या फायदा हुआ, डाटा कलेक्ट करके तो कोई फायदा नहीं हुआ। डाटा कलेक्ट करने के बाद मुझे उसे प्रॉपर वे में अरेंज करना है, क्लासिफाई करना है, जिससे मैं इंटरप्रेट कर पाऊँ, कोई कंक्लूजन या डिसीजन निकाल पाऊँ। तो जो मेथड्स हम इन सब चीज़ों को लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए उस डाटा पे अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो वो बन जाता है मेरा सिंगुलर। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है कि डाटा कलेक्ट लिखा हुआ है तो मैम सिंगुलर लिखें या प्लूरल लिखें। सिर्फ डाटा कलेक्ट हो रहा है तो मतलब प्लूरल,
सिर्फ डाटा कलेक्ट हो रहा है तो मतलब प्लूरल, लेकिन डाटा पे हमने कोई ना कोई मेथड यूज कर दिया, टेक्निक यूज कर दी उसको क्लासिफाई करने के लिए, अरेंज करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कोई मेथड या टेक्निक यूज कर दी उस कलेक्टेड डाटा पे, तो वो क्या बन जाएगा मेरा? सिंगुलर सेंस। तो एक माइनर सा डिफरेंस है जो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डाटा कलेक्शन दोनों डाटा होगा तभी तो कोई मेथड लगाऊंगी, जब कोई क्वेश्चन पेपर ही नहीं है तो सॉल्व कैसे करूंगी। तो डाटा दोनों में चाहिए, एक में सिर्फ कलेक्शन है और एक में उस पे हमने प्रॉपर मेथड या टेक्निक यूज करके उसको यूजफुल बनाया। ठीक है, इसके बाद अब सिंगुलर सेंस में प्लूरल सेंस के बाद हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, मेथड ऑफ कलेक्शन। मैम ये तो हम 11 से भी पढ़ते आ रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, आप पढ़ते आ रहे हो। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी मतलब क्या हो गया, जिसमें हम खुद ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, या मैंने एक असिस्टेंट रखा हुआ है कि मेरे बिहाफ पे जाओ भाई डाटा कलेक्ट कर लो। लेकिन जब मैं इतने सारे मैथड ताम थाम नहीं करना चाहती या इतने एफर्ट्स नहीं डालना चाहती, तो मैं जो पब्लिश सोर्सेज हैं जिन्होंने ऑलरेडी डाटा कलेक्ट कर रखा है वहाँ से डाटा उठा लेती हूँ, तो क्या बन जाता है वो सेकेंडरी डाटा सोर्स। सेकेंडरी डाटा सोर्स मतलब मैंने कलेक्टेड डाटा, गवर्नमेंट मैगजीन्स हो सकती है, जर्नल्स हो सकती हैं, कुछ भी जब यूज़ करके डाटा को कलेक्ट करती हूँ, इकट्ठा करती हूँ अपने पर्पस के हिसाब से, तो वो सेकेंडरी सोर्स बन जाता है। और जब अपने बिहाफ पे खुद ही कंडक्ट कर रही हूँ या करवा रही हूँ तो वो प्राइमरी बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्या स्टेट्स की कोई लिमिटेशन हो सकती है। हाँ भाई, स्टेट्स की बहुत सारी लिमिटेशन हो सकती हैं। तो लिमिटेशन यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बेटर है कि आप एक बार लिमिटेशन के हेडिंग्स पढ़ लो। स्टेट्स क्या है, सिर्फ क्वालिटेटिव फैक्टर को देखता ही नहीं है, डाटा कभी एग्जैक्ट नहीं हो सकता। हो सकता है डाटा जिसको मैंने ड्यूटी दी थी कलेक्ट करने की, उसने प्रॉपर वे में या प्रॉपर अपनी ड्यूटी फुलफिल ही नहीं की, बायस हो गया था। तो ये सारी हमारी लिमिटेशंस हो जाती हैं स्टेट्स की। अब जब इतनी सारी लिमिटेशंस हैं, तो डाटा को जब मैं यूज करने लायक बनाऊंगी तो मुझे क्या चेक करना है, स्क्रूटनी ऑफ डाटा। इतनी सारी लिमिटेशंस हैं तो क्या डाटा पे मुझे फेथ करना चाहिए, सेकेंडरी सोर्स पे मुझे जाना चाहिए? जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि प्राइमरी में टाइम भी बहुत लगता है, पैसा भी बहुत लगता है और कई जगह इम्पॉसिबल ही होता है, तो जाना तो मुझे पड़ेगा ही। तो मैं क्या करती हूँ, स्क्रूटनी मतलब मैं वेरीफाई कर रही हूँ डाटा को, किस पर्पस के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी के लिए और होमोजेनिटी के लिए, कि भाई ऐसा मैं इस सोर्स से ले रही हूँ तो वो फेथफुल, या उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, या लोगों ने उसके बारे में क्या रिव्यूज डाले। जैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, सपोज अमेजोन से मुझे शॉपिंग करनी है, कोई मुझे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स खरीदना है या कोई हाई प्राइस का आइटम खरीदना है, तो मैं क्या करूँगी, पसंद मुझे आ रही है आइटम, डिस्काउंट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन मैं नीचे जाती जाऊँगी स्क्रोल करके और रिव्यूज जरूर पढ़ूंगी कि कस्टमर्स ने क्या रिव्यूज डाले हैं, उसका क्या फीडबैक है। उस फीडबैक के बेस पे मेरा फाइनल डिसीजन होने वाला है कि मैं उस आइटम को पिक कर रही हूँ या मैं उसको रिजेक्ट कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हमें मैटर करती हैं। ठीक है भाई, बहुत सारी सेल कर दी, इस बंदे की रेटिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन रिव्यूज़ तो देखो भाई, रिव्यूज़ कितने बेकार हैं, तो मैं इस आइटम पे नहीं जा रही। तो स्क्रूटनी ऑफ डाटा, जब हम डाटा के सोर्स को वेरीफाई करते हैं उसकी कंसिस्टेंसी के लिए और होमोजेनिटी, तो वो बन जाता है मेरा स्क्रूटनी ऑफ डाटा। ठीक है, हर चीज़ का मुझे वेरिफिकेशन चाहिए, मैं बोली हुई बात पे या सुनी हुई बात पे विश्वास नहीं कर रही, तो वो चीज़ हो जाती है हमारी स्क्रूटनी। इस चैप्टर में फिर क्या आ जाता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बेसिस कितने थे हमारे, चार बेसिस थे। कौन कौन से बेसिस थे, क्रोनोलॉजिकल। अब ये नाम तो हम 11 से सुन रहे हैं, इसके में क्या फर्क पड़ गया, फर्क ये पड़ा ये किसके बेस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मतलब टेम्पोरल, मतलब टेम्पोरल। तो दूसरा नाम मिल गया मुझे इसका, टेम्पोरल। फिर क्या होता है, ज्योग्राफिकल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एरिया के हिसाब से हो गया। फिर क्या हो गया मेरा, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव जिसमें क्वालिटीज के बेस पे हमने किया, क्वांटिटेटिव तो पता ही है, क्वांटिटी। ठीक है, ये चार क्लासिफिकेशन हमने पढ़े हैं, इनका वो भी पढ़ लिया। लेकिन अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जाऊं, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जाऊंगी तो ये क्या है, नॉन फ्रीक्वेंसी, और ये क्या बन जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी।
ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी हम डाटा को दो कैटेगरी में बांटते हैं, ऑन फ्रीक्वेंसी और नॉन फ्रीक्वेंसी। ये दोनों पार्ट मेरे नॉन फ्रीक्वेंसी के बन जाते हैं और ये दोनों पार्ट मेरे फ्रीक्वेंसी के बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने किया पार्ट ऑफ टेबल। पार्ट्स ऑफ टेबल में सारे हमें पता है, हेड नोट, फुट नोट, सोर्स, बॉडी, स्टब, रोज, कैप्शन, सब पता है हमें। अब प्रॉब्लम क्या आती है कैप्शन ऑफ स्टब में। अब मैं आपसे पूछूं रो को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉलम को, तो इसके लिए हमने क्या शॉर्टकट किया था, सी से हमने, इस सी अल्फाबेट से हमने याद किया था कि सी अल्फाबेट कॉमन है कैप्शन और कॉलम में। सी अल्फाबेट कॉमन है कैप्शन और कॉलम में, तो कैप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, तो ऑटोमेटिकली स्टब रिप्रेजेंट करेगा रो को, ठीक है। अब बात करते हैं हम कुछ डिफरेंट नाम्स की। जैसे हम कहते हैं कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे जाते हैं तो क्या होता है हमारी, कौन कौन से डायग्राम्स पढ़े हमने, बार डायग्राम पढ़ा, बार डायग्राम के बाद आपने पढ़ा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, लाइन डायग्राम, ऐसे हमने पाई चार्ट, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जो हम यूज़ करते हैं। अब बार डायग्राम तो ठीक है, हिस्टोग्राम भी ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक नाम होता है हिस्टोग्राफ। यहाँ क्या था मेरा हिस्टोग्राम, क्या था हिस्टोग्राम, और ये क्या हो गया हिस्टोग्राफ। तो सिर्फ एम की जगह मैंने पीएच डाल दिया, लेकिन आंसर मेरा पूरा वेरी कर गया भाई। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हिस्टोग्राफ भी कहते हैं। अब लाइन डायग्राम की बात करें, लाइन डायग्राम को हम क्या कहते हैं, हिस्टोरीग्राम। एक और नया वर्ड आ गया, तीनों वर्ड मिलते जुलते हैं। और यहां तो एक और एरर है, लाइन ग्राफ को आप टाइम सीरीज ग्राफ भी कह सकते हो। मतलब मुझे ये पता है कि बनाना कैसे है, ये तो पता है, चलो ये तो मुझे खुद को श्योरिटी है कि आप लोगों को ये चीज क्लियर है कि कौन सा ग्राफ कैसे बनना है, उसका क्या यूज है, क्या डाटा चाहिए, सब कुछ पता है। लेकिन इनके जो ये नाम है, अल्टीमेटली हमें, अब बार बार आपको मैंने पूरे सेशन में बोला है कि हमें स्मार्ट स्टडी पे जाना है, ये चीज नहीं करनी कि मुझे ये डायग्राम्स बनाने आते हैं, ग्राफ्स क्लियर है और मैं लगी हुई 15-20 क्वेश्चन इनको बनाने में बनाने में बनाने में। भाई वो बनाना नहीं आना आपको, वो चीज आनी है, उसके 2-3 क्वेश्चन जरूर करो, हर चीज यूजफुल है, हर चीज काम आती है, लेकिन उस चीज को इग्नोर मत करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है या उसके साथ हमें पता होनी चाहिए, हमारी नॉलेज के लिए जरूरी है, उसको भी साइड बाय साइड हमें इग्नोर नहीं करना है। किसी को स्मार्टनेस कहते हैं, स्मार्टनेस का मतलब ये नहीं है कि ये आने के चांस नहीं है छोड़ दो, ये नहीं आ सकता ये छोड़ दो, पिछले 3 साल में नहीं आया छोड़ दो, ये स्मार्टनेस नहीं है। स्मार्टनेस है कि जो चीज आपको आती है उस पर उतना ही टाइम दो जितना डिवोट करना जरूरी है, बाकी टाइम सेव करो और उस पार्ट पे लगाओ जो या तो आपको कंफ्यूज है या अभी आपने रीड नहीं किया या उस कंसेप्ट से रिलेटेड हमें पता होना ही चाहिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि सीए का जो पेपर है, सीए फाउंडेशन का जो पेपर है, आपके बेसिक्स की नॉलेज ले रहा है आपसे। 1 मिनट में आप बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल के लिए, पहले न्यूमेरिकल के लिए कैलकुलेटर नहीं होता था, तो न्यूमेरिकल एक्यूरेसी भी चेक करते थे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक करते थे, स्पीड भी चेक करते थे, सब कुछ चेक करते थे। अब भाई कैलकुलेटर है, वो चीज नहीं चेक करनी, कैलकुलेटर पे भी ट्रिक्स हैं, स्पीड भी नहीं चेक करनी। अब हमें चेक करना है आपका कंसेप्ट क्लैरिटी, कंसेप्ट क्लैरिटी ही हमें चेक करनी है और वही फ्यूचर में हमारे काम भी आती है, तो स्मार्टनेस इस तरह से अप्लाई करनी है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि हमने ग्राफ्स बनाए हैं, तो कुछ ग्राफ्स हमारे मेजर्स को, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स को यूज कैलकुलेट करने में हेल्पफुल हो जाते हैं कि हम ग्राफिकली डायरेक्टली उनका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे मोड का आंसर निकालना है तो कौन सा डायग्राम मुझे हेल्प करने वाला है, हिस्टोग्राम। और इन केस मुझे मीडियन निकालना है तो कौन सा डायग्राम मुझे हेल्पफुल होने वाला है, ओजाइव। ओजाइव कितने टाइप के होते हैं मेरे, लेस देन और मोर देन, ठीक है।
तो जब हम सिर्फ अभी हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि फर्स्ट चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, तो उसमें कंटेंट और कंसेप्ट्स भी बिल्कुल बेसिक तक जाना है, जो पूरा मेरे स्टेट्स के सिलेबस में मुझे काम आने वाला है। पूरे स्टेट्स की बेसिक नॉलेज इसी चैप्टर में है, तो इसके हमें, अगर आप क्वेश्चन बैंक भी उठा के देखोगे, क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल क्या है आप ये देखो। ये आपका चैप्टर है, कौन से क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन दिख रही है? सिर्फ हमें कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आराम से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओगे। तो इस चीज को ध्यान में रख के अब आपको अपनी रिवीजन, फाइनल रिवीजन फोकस करनी है, ठीक है। एक चीज होती है जो हमारे पेपर में भी आती है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज पे बेस्ड है, तो पहले इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड। अब इनका मीनिंग बताने की तो जरूरत नहीं है। इंक्लूड मतलब उसको कंसीडर करना है, एक्सक्लूड मतलब अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड करना है, छोड़ के चलना है। 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, इसमें हमारा 0 भी इंक्लूड है और 9 भी इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, मतलब इसमें मेरा 10 इंक्लूड नहीं है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती। अब अगर मैं बात करती हूँ अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट की, तो इसकी अपर क्लास लिमिट कितनी है, 0, और इसकी अपर क्लास लिमिट कितनी है, लोअर क्लास लिमिट 0 और अपर क्लास लिमिट कितनी है, 10। ये मेरी क्लास लिमिट हो गई, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, तो क्या मैं इसको अपर और लोअर बोल सकती हूँ कि अपर क्लास लिमिट 9 है, लोअर क्लास लिमिट 0 है? नहीं, नहीं बोल सकती। बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती? बोल सकती हूँ भाई, लिमिट ही तो लिखी है और क्या लिखा है। लेकिन पेपर में मुझसे पूछा गया अपर क्लास बाउंड्री एप्लीकेबल इन बोथ सीरीज, दूसरा ऑप्शन मुझे दिया गया या क्लास बाउंड्री लिख दो, क्लास लिमिट एप्लीकेबल इन बोथ सीरीज। अब बताओ, क्लास बाउंड्री दोनों की लिमिट्स को मैं अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट बोल सकती हूँ क्या? दोनों की लिमिट को मैं अपर क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री बोल सकती हूँ? क्लास लिमिट बोल सकती हूँ, बाउंड्री नहीं बोल सकती। बाउंड्री क्या होती है मेरी, अपर क्लास बाउंड्री की बात करूंगी तो अपर क्लास लिमिट माइनस डी बाई टू, और लोअर क्लास बाउंड्री की बात करूंगी तो लोअर क्लास लिमिट प्लस डी बाई टू। अब ये डी क्या बला है? डी ये बला है भाई, ये जो इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस निकालो, 10 माइनस 9 1 आ गया, फिर डी बाई टू निकालो, 1 बाई टू, 0.5 आ गया। 0.5 अपर में से माइनस कर दो और लोअर में अपर में प्लस करो, लोअर में माइनस करो, अपर में प्लस करो, लोअर में माइनस करो, तो वो बाउंड्री बन जाएगी। इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा डिफरेंस क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरा डिफरेंस 1 आ रहा है, तो मुझे बाउंड्री पे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं क्लास लिमिट बोल सकती हूँ, इसको भी क्लास लिमिट बोल सकती हूँ, इसको क्लास बाउंड्री भी बोल सकती हूँ, लेकिन इसको नहीं बोल सकती, इसलिए क्लास लिमिट तो दोनों सीरीज पे एप्लीकेबल है, लेकिन बाउंड्री के लिए मुझे इस सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ता है सिर्फ से एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो बाउंड्री और लिमिट में डिफरेंस क्लियर हो गया। और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देखो, लोअर में से माइनस अपर में प्लस, ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गई मेरी सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज में। क्लियर? यहां
यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार हमारे एग्जाम में आई है, वो भी पता होना चाहिए। इंक्लूसिव सीरीज़ और एक्सक्लूसिव सीरीज़ का हमारा निक नेम क्या है भाई, दूसरा नाम क्या है? मेन नाम तो वैसे फैमिली में भी हमें क्या हमारे निक नेम सिखाते हैं। तो इंक्लूसिव सीरीज़ को हम कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग, और इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो तो क्या कर सकते हो, इसमें कोई भी डिजिट क्या है आपको रिपीट नहीं दिख रही, हर नंबर अपने आप में यूनिक है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर 10 यहाँ भी था, यहाँ भी था, ओवरलैप हो रहा है, 20 यहाँ भी था, यहाँ भी था, ओवरलैप हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने ट्रिक्स, अपने हिंट्स बता सकते हो जिससे एग्जाम टाइम में आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो एक्सक्लूसिव सीरीज हमारी ओवरलैपिंग होती है, मतलब बाउंड्रीज क्या है रिपीट हो रही है, लेकिन इंक्लूसिव सीरीज में कोई भी हमारी बाउंड्री रिपीट नहीं हो रही, कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारी नॉन ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर, टाइप्स ऑफ एरर इन स्टेट्स। तो कौन से एरर हो सकते हैं, सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर। या तो मैंने सैम्पल करते टाइम, सैम्पल सेलेक्ट करते टाइम, उसमें से आइटम पिक करते टाइम, या सैम्पलिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं वो अडॉप्ट करते टाइम कुछ एरर कर दिया, या वो मैंने सब काम ठीक किया था, या मैंने सैम्पलिंग मेथड में मैं गई नहीं थी, सेंसस मेथड पे गई थी, तब भी मैंने कुछ ना कुछ एरर कर दिया। वो टाइप्स के एरर स्टेट्स में हो सकते हैं, सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर। कौन कौन से हो गए, सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। क्या हुआ हमारा, एरर इन स्टेट्स। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब हमने चैप्टर वन करते टाइम बहुत सारी टर्म्स की डेफिनेशन, और जब हमने क्वेश्चन किए थे तभी भी हमने देखा था डेफिनेशन बहुत सारे क्वेश्चंस थे। हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर हम इन डेफिनेशन को एक बार अच्छे से रीड कर लें। सेफर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि आप इनको अच्छे से रीड करो, और इसमें ये मैंने ऑलरेडी स्टार्स बनवा रखे हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारी क्या थी, क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय लेंथ और साइज और विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाती है। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल को सिग्मा एफ से डिवाइड कर देती हूँ तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है, मतलब न्यूमरेटर दोनों का सेम है। इसमें मैंने क्लास इंटरवल की लेंथ से डिवाइड किया और इसमें मैंने सिग्मा एफ से डिवाइड किया, तो मेरा दोनों फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस टाइम भी हमने कवर किया था और उस टाइम भी हमने मार्क किया हुआ है, तो इसको भी आप अपने नोट मार्क कर लो। तो आपको ध्यान से इसको देखना है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म की तरह से भी आ सकता है हमारा, कि आपको डाटा दिया हुआ है और किसी पर्टिकुलर क्लास की आपसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपसे पूछ, तो आपको वो बतानी आराम से आ जाएगी और आपको उस टाइम कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक टर्म और मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, एक ही जगह रहेगा तो आप अच्छे से कर सकते हो। ओजाइब दो टाइप के होते हैं, और ओजाइब का हमारा दूसरा नाम क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं हम ओजाइब को। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा का पूरा रिवाइज हो जाता है, और आपको पता भी चल गया है कि किस तरह से हमने इसको पढ़ना है और क्या क्या बातों पे मेन ध्यान देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, वो है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन।
अब इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए द डेविएशन, क्वार्टल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, बाद हमारा आ जाता है कोफिशिएंट, ठीक है, तीनों में रिले और इसके बारे में सबसे ज्यादा क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूलेज, फॉर्मूलेज पे मेन फोकस रखना है हमें, क्योंकि फॉर्मूले की एप्लीकेशन तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आने वाला है और कैलकुलेटर हमारे हाथ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूला ही टिक करने के लिए आ जाए तो इसके लिए फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। जब मैं रिलेशन की बात करती हूँ तो रिलेशन मेरा कैसा हो सकता है, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिक। अगर मैं सिमेट्रिकल की बात करती, चलो पहले एक बार सिंबल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बी को हम कैसे दिखाते हैं, इंडियन का अपना कोई सिंबल नहीं होता, लिखने के लिए हम एम ही लिख देते हैं, लेकिन एक कॉमन सिंबल नहीं है जो हर कोई लिख, मोड का क्या होता है जेड, मीन डेविएशन को एम डी लिखते हैं, क्वार्टल डेविएशन को क्यू डी लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप स्टैंडर्ड डेविएशन लिख सकते हो या आप सिग्मा लिख सकते हो, वर्ड को बोलते हैं हम सिग्मा, ठीक है, आधा न जो हमने बनाया है इसको बोलते हैं हम सिग्मा, हम ये भी लिख सकते हैं। सिमेट्रिकल में क्या होता है, द मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। अगर डिस्ट्रीब्यूशन मेरा सिमेट्रिकल है तो मेरे ये तीनों आंसर सेम आएंगे, और अगर असिमेट्रिकल है तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन, इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस, ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है। तो हम कोई भी फॉर्मूला जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन की नेचर पहले दी होगी पेपर में, उसके हिसाब से हमें अपने आंसर को टिक करना है। आंसर दोनों ही होते हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की नेचर कैसी है इस पे मेरा आंसर वेरी कर जाए, देख के करना है, ठीक है। अब जैसे हम मीन के फॉर्मूले की बात करते, हमने फॉर्मूले की बात की, फॉर्मूले तो तभी अप्लाई करेंगे जब हमें सीरीज पता हो। इंडिविजुअल सीरीज मतलब क्या हो गया, मेरा सिर्फ मुझे डाटा दिया होगा, इंडिविजुअली डाटा दिया होगा, मेरे इंडिविजुअल सीरीज बन जाएगी, और अगर उस वेरिएबल के साथ, रैंडम वेरिएबल के साथ मुझे फ्रीक्वेंसी भी दे देंगे तो वो डिस्क्रीट सीरीज बन जाएगी, और फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग देंगे तो वो मेरी कॉन्टिन्यूस सीरीज बन, ठीक है। डायरेक्ट मेथड ये मीन के ये फॉर्मूले होते हैं, डिफरेंट टाइप से हम कर सकते हैं, लेकिन आंसर हम इंडिविजुअल सीरीज का कोई भी फॉर्मूला लगाए इन तीनों मेथड में से आंसर सेम आने वाला है, सेम डिस्क्रीट में सेम कॉन्टिन्यूस, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला लगाएं आंसर सेम आने वाला है, लेकिन एक बार हमें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले भी पॉसिबल हैं। क्वेश्चन तो डायरेक्ट से भी हो जाएगा भाई, कैलकुलेटर ने करना है हमने कौन सा करना है, लेकिन फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। उसके बाद कुछ शॉर्टकट, जैसे सारी ऑब्जर्वेशन सेम है ए है तो अर्थमेटिक मीन भी वही ऑब्जर्वेशन आएगा, करने की जरूरत नहीं है मेथड अप्लाई करने की, सेलेक्ट करने की या कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है। सारा डाटा आपको 5555555 दिया हुआ है तो अर्थमेटिक मीन भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर हम सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन निकालें, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से मैं मीन को माइनस कर देती हूँ तो मेरा टोटल उसका क्या होने वाला है, 0 आने वाला है। टोटल क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। मतलब ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें डाटा दिया हुआ है, मुझे 659 दिया हुआ है 10 टाइम्स, मैं कैलकुलेटर उठा के मीन निकालने में लगी हुई हूँ, वो भी मैं बार बार मिस कर देती हूँ, गलत टाइप कर देती हूँ, तो दोबारा से शुरू हो जाती हूँ। नहीं भाई, 10 टाइम्स 659 दिया हुआ है तो मीन तो 659 है, हम क्यों मेहनत करेंगे, यहीं पर हमें अपनी स्मार्टनेस को अप्लाई करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पार्ट हमारा, ठीक है। दो सीरीज या तीन सीरीज का मीन निकालना हो तो वो कंबाइन मीन बन जाता है। कंबाइन मीन में या तो हमें क्या होता है, सीधा कंबाइन मीन पूछ लेंगे, या फिर भाई है हमारी जजमेंट चेक करना है, हमारी एक्यूरेसी या मेरी प्रैक्टिस को चेक करना है सीए ने, करना क्या है उन्होंने, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है भाई, कोई भी कर लेगा, 11th 12th का बच्चा भी कर लेगा, सीए में ही क्यों दिया, क्योंकि उन्हें चेक करना है कि बच्चे ने पिक किया या नहीं पिक किया। तो वो कैसे चेक करते हैं, फॉर्मूले में अप्लाई तो कोई भी कर देता है, वो क्या करेंगे, या तो इस पूरे डाटा में से मीन दे देंगे, इनमें से कोई वैल्यू मिसिंग कर देंगे, तब भी इजी लग रहा है,
या फिर वो क्या कर देंगे, एक वर्ड डाल देंगे परसेंटेज, परसेंटेज वन का एक वैल्यू मिसिंग होगी तो आप आराम से निकाल देते हो। परसेंटेज वर्ड में क्या हुआ, एन वन भी मिसिंग है, एन टू भी मिसिंग है, या तीन सीरीज है तो एन वन एन टू एन थ्री तीनों मिसिंग है, तब आप क्या करते हो, हमेशा मेरा एन वन प्लस एन टू 100 आएगा परसेंटेज में, और उसको मुझे यूज करके अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो जब भी आपको लगे कि एन वन एन टू दोनों ही मिसिंग है और कंबाइन मीन का क्वेश्चन लग रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं वर्ड आपको परसेंटेज दिया हुआ होगा, वो आपको नोटिस करना है और फिर क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया। जैसे एक क्वेश्चन हमने ये क्लास में किया हुआ है कि एन वन एन टू दोनों मिसिंग थे और कंबाइन मीन मुझे दे रखा था और इसका परसेंटेज वर्ड दे रखा था, तो मैंने क्या किया, एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू 100 लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, एन टू की वैल्यू निकाल दी 100 माइनस एन वन, उसको सब्सटीट्यूट किया और सॉल्व कर लिया इजीली, और मेरी एक वैल्यू उससे निकल आएगी, एन वन निकल गया मेरा 100%, इसका मतलब एन टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने इमेजिनरी क्वेश्चन लिया है तो इसमें तो ये पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन जनरली हमारा एन वन एन टू दोनों पॉसिबल एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो कंबाइन मीन होगा, जब एक एन जीरो ही हो गया तो वो कंबाइन मीन नहीं होगा। ठीक है, अब जब मीन की बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं, तो मीन या एवरेज तीन टाइप के हो सकते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अब क्या चालाकी क्या होती है, आपको एवरेज का क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट एवरेज, कैलकुलेट एवरेज दिया हुआ है, और आपको नहीं पता उस क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन लगाऊं, हार्मोनिक मीन लगाऊं या ज्योमेट्रिक। भाई एवरेज तो तीन होती है, हमें तीनों पता है, तीनों के फॉर्मूले पता है, लेकिन ये नहीं पता कि क्वेश्चन में अप्लाई कौन सी करें, तो उसके लिए हमें क्या करना है। अगर तो हमें दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज, किसी भी चीज में रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है रेट, रेट ऑफ चेंज मुझे निकालना है, चाहे पॉपुलेशन का निकालना हो, ग्रोथ रेट निकालना हो, कुछ भी रेट ऑफ चेंज निकालना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे स्पीड डिस्टेंस का, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन मेरे यहाँ पे फिट हो जाए, ये दो कैटेगरी अलग कर दी, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने इस वाले कॉलम के लिए छोड़। रेट का मतलब है यहाँ पर मुझे यूज करना है ज्योमेट्रिक मीन, स्पीड डिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे मुझे यूज करना है हार्मोनिक मीन, और बाकी जगह मैं यूज करूंगी अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, मीन और एवरेज, एवरेज भी तीन टाइप हो सकती हैं, तो वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, लेकिन अर्थमेटिक मीन और मेन एक ही बात होती है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन ये नहीं कि एवरेज लिखा हुआ है सीधा से चलो भाई टोटल करो डिवाइड बाय एन करो आंसर आ गया, ऐसे नहीं करना। एक पर्सन है वो ट्रैवल कर रहा है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और रिटर्न कर रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। क्वेश्चन है फाइंड एवरेज स्पीड, ये क्वेश्चन है बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, चलो भाई इसको तो मोरल ही कर सकते हैं, और हमने क्या किया 24 प्लस 30 बाई 2 करा और आंसर निकाल दिया 27। नहीं भाई, रॉन्ग कर दिया, बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन कर दिया। और एक चीज और नोटिस करना, जितना हमारा दिमाग गलत से गलत सोच सकता है ना, सीए उस सारे दिमाग को पकड़ लेता है और सारे ऑप्शन होते हैं आपके एमसीक्यू में, एक ऑप्शन में 27 आंसर जरूर होगा, 100% होगा। तो जो हम गलत से गलत सोच सकते हैं तो वो सारे आंसर हमारे ऑप्शन में होते हैं, 100% होते हैं। तो आपको ये 27 जरूर लिखा हुआ मिलेगा अपने ऑप्शन में और आप उसको टिक कर दोगे। यहाँ आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन स्पीड का था, स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, तो मुझे ऐसे नहीं करना था। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, एन डिवाइड बाय 1/a प्लस 1/b। अगर मेरी ऑब्जर्वेशंस ए और बी हैं, मतलब क्या हो जाएगा, दो ऑब्जर्वेशन है 1/24 प्लस 1/30, और इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा, बस वो आंसर आपका फाइनल आंसर होगा, इस आंसर को आप नहीं ले सकते, ये आंसर हमारा ठीक माना जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैंने सारी प्रैक्टिस की हुई है, तीनों मीन मुझे, तीनों एवरेजेस मुझे निकालनी आती है, लेकिन अगर मैं ये चीज़ पार्ट छोड़ दिया मैंने पेपर में रिवाइज करने के लिए, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है।
इन सब चीज़ों को हाईलाइट करके और पढ़ के चलना है। डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन दोनों होते हैं तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना है और उसके हिसाब से ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, क्लियर? अब जब तीनों का ही नाम एवरेज है, तीनों का ही नाम एवरेज है तो इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन तो होना चाहिए। एम, जीएम और एचएम में तो मैं ए बोल देती हूँ, इसको जी, इसको एच बोल, तो क्या रिलेशन होने वाला है? मैंने दो ऑब्जर्वेशन के बेस पे रिलेशन निकालने की कोशिश, पता भी तो नहीं चलना चाहिए बना कैसे। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? दो ऑब्जर्वेशन के बीच में टोटल करो, डिवाइड बाय एन कर दो। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? उनका रूट निकाल दो मल्टीप्लाई करके। हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2/1/a+1/b। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ तो क्या बन जाता है? 2ab/a+। ठीक है, तो इन तीनों को जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो मुझे क्या लगता है कि मैं जी स्क्वेयर कर दूँ तो वो ए इंटू एच के इक्वल आ रहा है। कैसे भाई? अगर आपने रूट ए बी का स्क्वेयर किया और यहाँ लिखा ए प्लस बी बाई टू बाई ए प्लस, ब्रैकेट से ये कट गया, टू से टू कट गया, यहाँ स्क्वायर करना था तो ये मेरा बिल्कुल फिट बैठता है। इसका मतलब मैं जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एच भी लिख सकती हूँ, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एच भी लिख सकती हूँ। मतलब एक रिलेशन तो ये है और एक रिलेशन ये है, दो जो भी मुझे दिया होगा वो दोनों ही ठीक हो गए। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन हो गया एम, जी एम और एच एम के बीच में। और जब ये रिलेशन आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो गया? कैसे दिखा सकते हैं? एक हम ऐसे दिखा सकते हैं, एक हम ऐसे दिखा सकते हैं, तीसरा हम बना बोल सकते हैं कि ए, जी और एच मिलके क्या बना रहे हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब एक जीपीसी क्या बना रहे हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब एक छोटी सी बात को हम तीन तरीके से बोल सकते हैं, इसी चीज पे हमें काम करना है और इन्हीं पॉइंट्स को हमें एग्जाम के टाइम अच्छे से रिवाइज करना है। अब ये तो हमने एक कर लिया रिलेशन, अब क्या क्या हो सकता है? अगर मेरी सारी ऑब्जर्वेशंस इक्वल हों, जैसे मैं कही थी 659 दिया हुआ है, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगी? अगर मैं कहूं कि सारी ऑब्जर्वेशन अलग अलग हैं, भाई बहुत बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, कोई भी मैच नहीं कर रही, कोई भी सेम नहीं है, क्या मैं बोलूं कि क्वेश्चन में आंसर तो पूछा है रिलेशन का लेकिन मुझे कोई हिंट नहीं दिया, जैसे अमिताभ बच्चन केबीसी में देता रहता है? तो कोई ऑब्जर्वेशन का मुझे इंडिकेशन या हिंट नहीं दिया, तब मैं कैसे बताऊं रिलेशन? आंसर तो करना ही पड़ेगा, 1 मार्क का सवाल है। तो ऑब्जर्वेशन जब आपकी इक्वल होंगी तो आप कहोगे आपका ए एम, जी एम, एच एम इक्वल है, और जब अनइक्वल होंगी तो मैं कहूंगी ए एम बड़ा है एम से और जी एम बड़ा है एच एम से। कुछ बोला ही नहीं है भाई, तो इनके इधर उधर तो आंसर जा ही नहीं सकता। तो ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, ग्रेटर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, हमें तो पता नहीं, हमें बताया नहीं। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो दोनों में से कोई ना कोई तो होगी, तो हम ये आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस एक छोटा सा हमने मीन का टॉपिक लिया, लेकिन ये देखा कि मीन में ही ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी नॉलेज में होनी चाहिए, जो एक्चुअल में हमारे पेपर में चेक हो रही हैं। कि आपको मीन का क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, ठीक है, डाटा भी बहुत छोटा छोटा दे रखा है, आप अप्लाई कर लो क्योंकि 1 ही मिनट का टाइम है, कैलकुलेटर से यूज,
लेकिन वो क्या चेक क्या करना चाहते हैं वो अभी तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना। जैसे सीए अथॉरिटी या सीए इंस्टीट्यूट बच्चों के माइंड को पढ़ता है, ऐसे हमें भी उसके माइंड को या उसकी डिमांड को समझना पड़ेगा। तो हमें क्या देना है कि हमें ये शो करना है, ये रिप्रेजेंट करना है अपने आंसर में कि हाँ मुझे बेसिक्स क्लियर हैं, मैं सिर्फ रट्टा मार के या सॉल्व कोर्स रजिस्टर्स भर के नहीं आया हुआ हूँ, मैं उसके बेसिक को पूरी तरह से समझ के कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी पता होना चाहिए, सब चीज़ों को गो थ्रू करके ही पेपर देने आया हूँ फुल प्रैक्टिस के। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था मीन का, लेकिन उसमें बहुत छोटी छोटी सी बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए, उनको बस पढ़ते जाओ, फिर एग्जाम में कोई ही प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये हमने पूरे सेशन में भी यही बात की है और अभी भी मैं आपको यही बात बोलती हूँ कि उस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं, जो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो उस पर काम जरूर करो। अगर वो कर लिया तो न्यूमेरिकल पार्ट तो वैसे ही कहीं नहीं गया, आपको सारे फॉर्मूले क्लियर, सारे रिलेशन क्लियर हैं, सारी सिचुएशंस क्लियर हैं, किस सिचुएशन में क्या करना है, तो फिर बचेगा क्या। ठीक है, तो ये हमने क्लियर किया कि मीन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सेम मीडियन होता है हमारा, तीन टाइप की सीरीज होती हैं और उसमें हमारे फॉर्मुलेज होते हैं, हमें सीरीज आइडेंटिफाई करके फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेम हमारा मोड होता है, इंडिविजुअल सीरीज होगी तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी या जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रही होगी उसको मैं मोड लेती हूँ। एक्चुअली हमें जो रिपीट वाला पार्ट है वो पहले देखना है, हाईएस्ट वैल्यू वाला पार्ट बाद में देखना है। जैसे मैंने ये केस लिया तो सबसे बड़ी वैल्यू 18 थी, लेकिन को पहले मैंने रिपीट देखा, रिपीट कुछ नहीं हो रहा था तो मैं हाईएस्ट वैल्यू देखी, लेकिन यहाँ पर रिपीट बहुत सारे हैं भाई, तो पहले मैं रिपीट को देख रही हूँ, हाईएस्ट वैल्यू को तो मैं देख ही नहीं रही। रिपीट को देखूंगी तो टू बहुत बार रिपीट हो रहा था तो मोड टू, तो पहले आपको देखना है कौन ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको फोकस करना है, और रिपीट कुछ नहीं हो रहा तो हाईएस्ट वैल्यू पे जाना है। मतलब पहले आपको रिपीट वैल्यू देखनी है, रिपीट नहीं हो रही तो हाईएस्ट वैल्यू देखनी, फर्स्ट नंबर पे रिपीट वैल्यू, सेकेंड नंबर पे हाईएस्ट वैल्यू। डिस्क्रीट सीरीज में तो ईजी सा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी उसकी पैरेलल वैल्यू एक्स की हमारी मोड। कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला होता है जिसमें हमें मॉडल क्लास निकालनी है, उसके बेस पे क्लास इंटरवल सेलेक्ट करना है, और मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरी क्या बन जाती है F1, उससे प्रीसीडिंग F0 और उससे सक्सीडिंग F1 F2। उन वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और मोड निकाल देंगे। मोड को हम कैसे निकाल सकते हैं, हिस्टोग्राम के थ्रू निकाल सकते हैं, हिस्टोग्राम से हम इजीली मोड को लोकेट कर सकते हैं ग्राफिकली। जब हम मीन मीडियन मोड का कंसेप्ट कर लेते हैं, अब हमने अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन सारा कुछ कर लिया, तो नेक्स्ट हमारा डिस्पर्शन का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आता है क्वार्टाइल डेविएशन, डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। पीसी का पार्ट है वो जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वार्टाइल डेविएशन की। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हमें दो क्वार्टर्स की वैल्यू निकालनी होती है, Q1 Q2 क्यों नहीं निकाला भाई, इसका आंसर बताओ, Q2 क्यों नहीं निकाला, Q3 में ऐसी क्या खास बात लगी कि आपने Q2 को नहीं निकाला, कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी है नहीं। तो Q2 और मीडियन हमारी एक ही बात होती है, Q2 निकालूं या मीडियन निकालूं बात एक ही हो गई। ठीक है, Q2 निकालूं या मीडियन निकालूं एक ही बात हो गई। ये बना कैसे, Q1 के लिए अगर मुझे क्लास चाहिए तो मैं क्या निकालूंगी n/4, Q3 के लिए क्लास चाहिए तो क्या निकालूंगी 3n/4, अब भाई Q2 के लिए चाहिए तो क्या निकालूंगी 10/4, तो क्या बन गया ये तो n/2 बन गया, और n/2 किसकी क्लास होती है मीडियन की, इसलिए Q2 और मीडियन एक ही बात होती है। ठीक है, अब इसमें हमारे फॉर्मूले जाते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज और इसका कोफिशिएंट। अब जब मैं एक क्वार्टाइल डेविएशन की बात कर रही हूँ और एक इसके कोफिशिएंट की बात कर रही हूँ, जब हम मेन डेविएशन निकालते हैं कोई भी, चाहे वो क्वार्टाइल डेविएशन हो, चाहे वो मेन डेविएशन हो, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, एब्सोल्यूट। और जब उसके कोफिशिएंट की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव। ठीक है, क्लियर। अब Q2 मेरा मीडियन होता है, तो मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन में भी तो कोई रिलेशन होना चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल है, रिलेशन बिटवीन Q3, Q1 एंड मीडियन,
रिलेशन बिटवीन 3, 1 एंड मीडियन, क्या रिलेशन होता है मेरा, क्यू थ्री माइनस मीडियन इक्वल टू मीडियन माइनस, और सिंप्लीफाई कर देते हैं क्यू थ्री प्लस क्यू वन इक्वल टू टू, और सिंप्लीफाई कर देते हैं थ्री प्लस क्यू वन बाय टू इज इक्वल टू, और सिंप्लीफाई कर देते हैं एवरेज ऑफ टू क्वार्टाइल्स वन एंड क्यू थ्री इक्वल टू, तो सब में एक ही बात है, ये लिखो ये लिखो ये लिखो ये लिखो, एक ही बात है, और हमने स्टेप बाय स्टेप डेरिवेट करते करते सारे स्टेप सीख लिए, तो कोई भी स्टेप आए हम आराम से टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर हो गया सारा कुछ। तो इस तरह से आपको अब लास्ट मोमेंट पे जब फाइनल रिवीजन करोगे इन सब बातों को ध्यान में देना है, फॉर्मूले आपने कर लिए, हमने क्लास में क्वेश्चन भी बहुत सारे किए, आप सबको वो चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी आपको साइड बाय साइड करते जाना है, परफेक्टली करते जाना है कि माइंड में आप डेरिवेशन के साथ करो कि आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना हो, आपको वो चीज़ क्लियर हो कि बनी कैसे थी, अगर कभी कन्फ्यूजन हो भी रहा है एग्जाम में, हो सकता है आपको कोई कन्फ्यूजन हो, भाई इतना सिलेबस है कर रहे हैं हम 10 बार कर चुके हैं और अभी 2 बार कर लेंगे, तो हो सकता है किसी पॉइंट पे लिटल बिट कन्फ्यूजन, और नेगेटिव मार्किंग है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग रिस्क लो, आप भी नहीं चाहते, तो हम उसको डेरिवेट करके देख सकते हैं और श्योरिटी के साथ टिक कर सकते हैं कि यहाँ माइनस आएगा या प्लस, ऑप्शन तो दोनों दिए हुए होंगे, तो आपको आराम से पता चल जाएगा नहीं भाई यहाँ तो प्लस ही आएगा, और आराम से आप उसको टिक कर दोगे, ठीक है। क्वार्टाइल्स के में हम क्या करते हैं, क्वार्टर तो सबको पता है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4, इसलिए सारी वैल्यूज को मैं किससे डिवाइड कर रही थी 4 से, इसी के बेस पे अगर मैं डिसाइल की बात करूं, डिसाइल क्या होता है 1/10, तो मैं किससे डिवाइड करूंगी 10 से, जैसे सपोज मैंने d1 निकाला क्या लिखूंगी 10/10, d2 निकाला 10/10, 5 निकाला 5n/10, ऐसे मैं कोई भी डिसाइल निकाल सकती। अब जब मैं D5 पे पहुंची तो D5 मेरा फिर n/2 आ गया, मतलब D5 भी मेरा मीडियन के इक्वल है, कैसे है ये हमें पता चल गया, D5 भी मेरा मीडियन के इक्वल होता है, ठीक है। सेम इसी के बेस पे अगर मुझे परसेंटाइल निकालना आ जाए, परसेंटाइल का मतलब क्या होता है 1/100, हर वैल्यू को मुझे क्या करना है 100 से डिवाइड करना है, अब मुझे निकालना है 10p10, तो मैं क्या निकालूंगी 10p/100, मुझे निकालना है p30, तो मैं क्या निकालूंगी 30p/100, फिर मुझे निकालना है p50, मैंने निकाला 50p/100, अब p50 निकालते ही फिर से मैजिक हो गया, 50 2 100, आंसर क्या आ गया n/2, और अगेन ये क्या बन गया मेरा मीडियन, मतलब Q2 भी मेरा मीडियन था, P5 भी मेरा मीडियन है, और P50 भी मेरा मीडियन है, तीनों ही मेरे मीडियन है, Q2 भी मीडियन था, P5 भी मीडियन है, P50 भी मीडियन है, और क्यों है कैसे है वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये लिस्ट भी की थी कि किस बेस पे हम एवरेज को सिलेक्ट करते हैं, कि कब हमें कौन सी एवरेज को अप्लाई करना चाहिए, तो ये पढ़ के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको आराम से सेटिस्फाई या जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये फॉर्मूला लगना चाहिए, इस एवरेज से हमें इसे करना चाहिए। एक चीज और, हमने अभी क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह तो सब कर ली, रेंज हमने अभी नहीं किया, रेंज हमारी क्या होती है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, और कोफिशिएंट तो वही एल माइनस एस पर, इसमें आपको ध्यान देना है कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट हमेशा आपको रैंडम वेरिएबल से लेना है, मतलब अब इसका मतलब करते हैं, रेंज जनरली हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, भाई रेंज तो इजी सा टॉपिक है आता है उसमें करना ही क्या है ओरल हो जाए, तो उसमें भी अगर कुछ है छोड़ना कोई टॉपिक नहीं है, जिसमें आधा मिनट चाहिए आधा मिनट लगाओ, जिसमें आधा घंटा चाहिए उसमें आधा घंटा लगाओ, आधे मिनट को भी छोड़ के नहीं चलना है। ये मेरी 3 सीरीज के क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया आपको 5, 9, 15, 20, 30,
यहाँ पर मैं क्वेश्चन देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन था 10, 10 to 20, 32, 1, 5, ठीक है। तीनों ही क्वेश्चन में मुझे रेंज चाहिए, तीनों ही क्वेश्चन में मुझे रेंज चाहिए, तो इसमें रेंज क्या होगी? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, इसमें रेंज क्या होने वाली है? 5 माइनस 2? नहीं भाई, रेंज के लिए तो रैंडम वेरिएबल कंसीडर होगा। रेंज का आंसर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1। अगर आपने इसको देख भी लिया तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे, तो इसको इस पार्ट में अगर आपको रेंज निकालनी है तो अगेन मुझे फ्रीक्वेंसी से कोई काम नहीं है, मैं क्लास इंटरवल देखूंगी। 40 माइनस 0, मेरा आंसर क्या आ गया? 40, ठीक है। तीनों सीरीज में रेंज निकालनी हमने कर ली। अब इसमें भी कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स थी, अगर सारी ऑब्जर्वेशन हमारी सेम हो तो इसका मतलब रेंज क्या आ जाएगी? 0। हाईएस्ट भी वही बन जाएगा, लोएस्ट भी बन जाएगा। अगर मैं कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड कर देती हूँ या सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ सारी ऑब्जर्वेशन में से, तो रेंज चेंज नहीं होगी, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रेंज चेंज हो जाएगा। अगर मैं कुछ सारी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देती हूँ कांस्टेंट क्वांटिटी से, तो मेरी रेंज चेंज हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज चेंज नहीं होगी। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे चेंज ऑफ ओरिजन कहते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उसे चेंज ऑफ स्केल कहते हैं। तो क्या रोल है? अगर मुझसे लिखा जाए All observations are changed due to change of scale, then what is its effect on range? तो हम कहेंगे range should be changed as per the scalar which multiply or divide the all observations. तो अगर scale है इसका मतलब multiply divide हुआ है, और origin है तो इसका मतलब add और subtract हुआ है। हर चीज एक word यहाँ पर important है, उससे ज़्यादा हमने class में कुछ भी नहीं किया है, किसी भी section को आपको छोड़ना नहीं है। रेंज का इतना छोटा सा सेक्शन है, मुश्किल से आपके 2-3 मिनट लेगा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पेपर में आता है कि ये बहुत छोटे टाइम में हम कर सकते हैं, और क्या है हमारा माइंड भी पढ़ रखा है कि हम इस टॉपिक को इग्नोर मार देते हैं, है ही नहीं करने के लिए, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के तो मैं आपको बोलूंगी फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए, इसका फॉर्मूला टिक करने के लिए एग्जाम में ज्यादातर आता ही है। फॉर्मूले आपको इसके सारे पता होने चाहिए, अच्छे से पता होने चाहिए कि आप आराम से टिक कर पाओ। वेरिएंस का फॉर्मूला वही, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, सिर्फ हर फॉर्मूले में से हम रूट हटा देते हैं उसका फॉर्मूला बन जाता है, इसके बेस पे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लगाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इन 100। अब इस फॉर्मूले को तो मैंने याद कर लिया, अगर मुझे 2 वैल्यूज दी हुई हैं मैं आराम से सी निकाल भी सकती हूँ। जनरली पूछा क्या जाता है कि कौन सी सीरीज या कौन सा बैट्समैन या कौन सा स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, या किसकी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, चेंज हो रही है। तो जिसका आंसर कम आता है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, और जिसका आंसर ज़्यादा आता है वो ज़्यादा वेरिएबल होता है या ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, या उसमें चेंजेस ज़्यादा आते हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, ठीक है। क्लियर? ये फॉर्मूला, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये 2 तरीके से हमारे पेपर में आ सकता है। पहला तरीका एज अ फॉर्मूला कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एज अ फॉर्मूला टिक कर। दूसरा तरीका, आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो सिर्फ यहाँ पर एन की वैल्यू आपको क्या करनी है, 10 पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा, जिसे आपको टिक कर देना है। मतलब आपको 1 to 10 काउंटिंग लिख के पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत। QD-MD-SD का रिलेशन जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 6 QD = 5 MD = SD। अब इसमें से अगर मुझे सिर्फ QD और MD का रिलेशन चाहिए सपोज, तो मैंने क्या पढ़ा अभी, 6 QD = 5 MD, और इसका मुझे रिलेशन चाहिए, QD और MD का मुझे रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, QD = 5/6 MD, 6 को मैंने यहाँ डिवाइड में डाल दिया, क्या लिख सकती हूँ, MD = 6/5 QD, ये लिखूँ, दोनों सही है। तो हम इससे आराम से अपने रिलेशन को बना सकते हैं, एज इट इज टिक करने के लिए आए वो कर सकते हैं, कोई वैल्यू एक दे रखी है दूसरी निकालनी है तो वो निकाल सकते हैं, ठीक है।
क्लियर है। अब ये टेबल हमारी इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसमें जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था उससे जो एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी के लिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए पूरी शीट है जिसमें आपको पता चल जाएगा। अगर आपको एक एक इक्वेशन दी हुई है या एक आंसर दिया हुआ है उस आंसर में मैं कुछ प्लस माइनस कर दूँ तो नया आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो नया आंसर क्या आएगा, सीरीज दी हुई है तो नया आंसर कैसे निकलेगा। मतलब मेन क्या है कि आपको रेंज क्यूडीयू एमडी एसटी निकालते टाइम अगर आपको एक रिलेशन दिया हुआ है तो कांस्टेंट पार्ट को इग्नोर करना है, को इग्नोर कर दो, इस साइन को इग्नोर कर दो। मतलब यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू डालनी है और आपका आंसर बता देना है। रेंज दिया हुआ है तो रेंज डाल दो, एमडी दिया हुआ है तो एमडी डाल दो, एसटी दिया हुआ है तो एसटी डाल दो, क्यूडी दिया हुआ है तो क्यूडी डाल दो। ना तो ये ए देखो ना ये प्लस माइनस कुछ भी लगाओ वो देखो और आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो 100% हमारे पेपर में एक या दो होते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से कर। जैसे मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, दो नंबर हैं ए और बी उनके बीच में, तो इसका एक शॉर्टकट है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हाफ ऑफ डिफरेंस होता है। मॉडुलस लगा हुआ है मतलब बी माइनस ए करो या ए माइनस बी लगाओ कुछ फर्क। अब ए और बी दो डिफरेंट नंबर हैं तो ऑब्वियसली बात है एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, तो हम हाफ ऑफ रेंज भी इसको बोलते हैं। तो बात को बोलने के तरीके है वही चीज़ कि मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए लिखा या मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी लिखा या फिर हाफ ऑफ रेंज लिखा, बात एक ही है लेकिन हमें सारी पता होनी चाहिए, हमारे एग्जाम में कोई भी आ सकती है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर आपका डिस्पर्शन का चैप्टर कंप्लीट हो गया और आपके 40 में से 20 मार्क्स भी कंप्लीट हो। सेकंड थिंग जो मुझे आपको बोलनी है कि आपको हर चैप्टर के सीए की मॉड्यूल में जो एग्जांपल्स दे रखे हैं वो ज़रूर देखना है, 100% देखना है, और जो लगे कि हाँ प्रैक्टिस चाहिए वो भी करनी है। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आपने बहुत बार कर लिए, अभी भी अगर आपके लिए पॉसिबल है तो करते रहिए, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है लास्ट मोमेंट पे उन पे हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए। साथ साथ हर चैप्टर के आप सीए मॉड्यूल में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो करते रहो, और आपने अपनी बुकलेट में जो क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं जहाँ मुझे ये डाउट है या इसमें मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मुझे कर लेना चाहिए वो आप करते तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी रिवीजन परफेक्ट रिवीजन हो जाएगी, सारे डाउट्स कंफ्यूजन सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 2 सेकंड के ब्रेक के बाद अब हम नया चैप्टर कोरिलेशन की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा आप भी लोग भी रिलेशन और रिग्रेशन दोनों चैप्टर को मिला के हमारे मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस, और जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो डाटा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें हमें टाइम लगता है, तो पूरा हमें डाटा गिवन होके हमसे कोरिलेशन मांगा जाए ये तो पॉसिबल ही, तो हमें या तो कंसेप्ट सारे पता होने चाहिए, फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए, सारे पता होने चाहिए, और अगर हमें दो इक्वेशन जैसे स्टैंडर्ड दी हुई हैं तो नया वाला क्या होगा या एक्स वाई में दिया हुआ है तो यू वी में क्या होगा, कोरिलेशन रिग्रेशन वो कैसे निकालेंगे वो पता होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें हमें पता है तो हमारा ये चैप्टर परफेक्टली डन, हमें इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम के अकॉर्डिंग ही देखना है कि क्या क्वेश्चन पॉसिबल है, कैलकुलेशन वाले तो पॉसिबल ही। कोरिलेशन रिग्रेशन दोनों को ही स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों की वैल्यू -1 and 1 के बीच में तो नहीं लिख सकते, फ्रॉम लिख लेते हैं क्योंकि -1 और 1 भी हमें चाहिए, -1 मिनिमम वैल्यू है और 1 इसकी मैक्सिमम। कोरिलेशंस में हमें क्या करते हैं डिग्री और डायरेक्शन का रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में मेजर करते हैं, इसे हम कोरिलेशन या कोवेरिएशन भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो वर्ड आ जाता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर एक चीज इंक्रीज करने से दूसरा फैक्टर मेरा डिक्रीज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इन्वर्सली कोरिलेशन। जैसे मैं कहती हूँ प्राइस और डिमांड ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और इकोनॉमिक्स हमारा एक पेपर है तो हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या मैं कहती हूँ इन्फ्लेशन और प्राइस में कैसा होगा डायरेक्ट
रिलेशन ज्यादा है तो प्राइस भी बढ़ते जाएंगे, तो डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा उसे पॉजिटिव रिलेशन। वो रिलेशन हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, सिंपल और मल्टीपल हो सकता है, लीनियर नॉन लीनियर हो सकता है। लीनियर में रेशियो कांस्टेंट होती है और नॉन लीनियर में रेशियो कांस्टेंट नहीं होती। डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसके ऊपर बेस्ड भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वैसे तो ये कॉमन सेंस का है, फिर भी पढ़ के जो अगर कुछ डाउट है तो वो खत्म हो जाता है। जैसे इसमें था नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड फैक्टर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। एकदम से दिखेगा तो हमें ये लगेगा फिक्स कॉस्ट है भाई, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रही है तो फिक्स कॉस्ट भी बढ़नी चाहिए। नहीं भाई, फिक्स कॉस्ट का मतलब तो फिक्स पर यूनिट उसका क्या होगा, कम होता जाए। नंबर ऑफ यूनिट जो डिवाइड करने वाला डिनोमिनेटर है वो मेरा क्या हो रहा है, वन बाय वन बढ़ता जा रहा है। जब डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है तो रेशियो क्या होती है, डिक्रीज का मतलब कैसे हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशन। स्कैटर डायग्राम, जब मैं पूरी कैलकुलेशन पार्ट पे जाना ही नहीं चाहती, सिर्फ एक ग्राफ बना के अपना कंक्लूजन निकालना चाहती हूँ कि कौन सा है, तो उसे स्कैटर। सबसे पहले तो रिलेशन होते कौन कौन से, पॉसिबल कौन कौन से हैं, या तो जीरो होगा, प्लस वन माइनस वन प्लस, या सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव। अगर जीरो है तो हम कहते हैं कोई रिलेशन है ही नहीं, प्लस वन है तो परफेक्ट पॉजिटिव, माइनस वन है तो परफेक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन। अब पता कैसे चलेगा, डाटा पूरा मेरी शीट पे स्प्रेड आउट हुआ हुआ है, एक प्रॉपर डायरेक्शन या कुछ है, तो मैं उसे कहूँगी जीरो। और अगर लो से हाई की तरफ जा रहा है, राइट हैंड की तरफ जा रहा है मेरे, तो होगा परफेक्ट पॉजिटिव। अगर मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव। राइट साइड पे है लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे है लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है तो नेगेटिव। अब इसके हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी करते हैं। प्रॉपर्टी आपको बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि ये वाले कुछ चैप्टर में मैंने आपको जैसे बता रही हूँ बार बार कि लॉन्ग क्वेश्चन आने के तो पॉसिबल ही चांसेस ही नहीं है, तो हमें क्या इसकी प्रॉपर्टीज, फॉर्मुलेज, इन सब पर बहुत ज़्यादा फोकस। सीधा फॉर्मूले टिक करने के लिए आ जाते हैं या सीधा प्रॉपर्टी में से चीज़ें पूछ लेते हैं, जैसे कोवेरिएंस चेंज हो जाता है या चेंज ऑफ स्केल से, लेकिन अगर चेंज ऑफ ओरिजन हो तो चेंज नहीं होता। ये अभी हम पढ़ के चुके हैं कि चेंज ऑफ ओरिजन और चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, ठीक है। ये कुछ डिग्रीज हैं, अभी तक हमने पांच टाइप का तो स्कैटर डायग्राम में पढ़ा, प्लस वन माइनस वन जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अब पॉजिटिव नेगेटिव में हाईली पॉजिटिव, हाईली नेगेटिव, मॉडरेटली पॉजिटिव, मॉडरेटली नेगेटिव भी पॉसिबल है। बाउंड्री है 0.75 से 1 तक है तो हाईली पॉजिटिव, 0.7 माइनस 0.75 से माइनस 1 तक है तो हाईली नेगेटिव। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्लियर कर। अब कोरिलेशन को हम क्या, अगर हम कार्ल पियर्सन का मेथड लगा रहे हैं तो उसको हम तीन मेथड होते हैं, कार्ल पियर्स, स्पीयरमैन और कंकरेंट। स्पीयरमैन को हम रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं, स्पीयरमैन को हम रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं, मतलब रैंक वर्ड मिल जाए या स्पीयरमैन वर्ड मिल जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा, कंकरेंट वर्ड मिल जाए तो ये फॉर्मूला मिल जाए लगेगा, कार्ल पियर्सन वर्ड मिल जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा, और इनमें से कोई वर्ड ना मिले तब भी कार्ल पियर्सन फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला तो है ही, तो मतलब ये वाले दोनों तभी लगेंगे जब इनसे रिलेटेड वर्ड मुझे मिल जाए, और अगर कुछ मुझे क्लियर नहीं हो रहा, मेथड मेंशन नहीं है, या फॉर्मूले का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया क्लियर नहीं किया हुआ, तब भी मैं कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन को प्रोडक्ट मोमेंट कहते हैं, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कहते हैं, ठीक है, क्लियर। मेरे सारे फॉर्मूले हैं, सबसे आंसर सेम आता है, कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई तो हमें करना ही नहीं, करने के लिए एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी बताऊंगी। जैसे आपको ये वाला आंसर भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट करो सॉल्व कर दो, पॉसिबल है। ये हो कि एक्स वाई का डाटा दिया हुआ है फिर निकालो, फिर पॉसिबल है। सारी वैल्यूज आपको दी हुई है तो उस केस में क्या होता है, फॉर्मूला सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो ये फॉर्मूला पता तो होना चाहिए, पहले स्किन दी हुई है तो ये पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होगा तो हम आराम से अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, उतना काम हम कर सकते हैं एक मिनट। कार्ल पियर्सन एक पैरामीट्रिक टेस्ट है, मैग्नीट्यूड कोरिलेशन का इसमें चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ ओरिजन या स्केल, ओरिजन चेंज हो गया स्केल चेंज करते रहो आंसर चेंज वाला। अगर मुझे एक कोरिलेशन एक्स वाई के बीच में दे रखा है और मुझसे यूवी का मांगा गया है, कैसे निकालूंगी, अपने इक्वेशन को देखूंगी, तो पहले मैंने यूवी का रिलेशन देखा मांगा गया, तो
दोनों पॉजिटिव हैं, जनरली हमें इनको पॉजिटिव ही रखना है, अगर कोई माइनस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके तो पॉजिटिव बना, का तो मैंने पॉजिटिव ही रखा। फिर एक्स वाई का रिलेशन मैं देख रही हूँ, अगर दोनों के रिलेशन सेम हो जाते हैं तो आंसर सेम आने वाला है, और रिलेशन अपोजिट है, ये प्लस प्लस था, प्लस प्लस था कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है, अपोजिट साइन हो गया तो मेरा रिलेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इस आंसर के आगे जस्ट मुझे प्लस माइनस का साइन लगाना है और कुछ नहीं लगाना, और इसमें ये चार ही सिचुएशन पॉसिबल है जो मैंने आपको दे दी, और चार सिचुएशन के अलावा जो सिचुएशन थी जिसमें यू भी नेगेटिव हो रहा था, तो उसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ पहले उस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, भी पॉजिटिव आ जाएंगे, फिर आप इसको रिलेशन को अप्लाई कर दो और आंसर निकाल, ठीक है, क्लियर। जैसे इसमें से एक क्वेश्चन उठाती हूँ मैं, क्या करती हूँ यहाँ पे माइनस लगा देती हूँ, पार्ट में कंफ्यूजन नहीं लगा पा रही, तो फर्स्ट क्वेश्चन से तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं, सेकंड को मैंने क्या किया मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, क्या बन जाएगी, अब मैंने यू वी का रिलेशन देखा प्लस प्लस, एक्स वाई का रिलेशन देखा माइनस प्लस, के आंसर डिफरेंट आ रहे थे, एक्स वाई का मुझे क्या दे रखा है 0.18, यहाँ पे क्या हो जाएगा का माइनस जीरो, ठीक है, बस इतना सा टाइम आपको लगाना है और कुछ भी, अब ये जो पेज है भाई बहुत ही यूजफुल पेज है, इस आप दो क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक तो 100% श्योर तो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये बहुत यूजफुल पेज है जिसका एक एक हेडिंग हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब आपको सिर्फ एक बार रीड आउट करके फ्रेश अप कर देना है, इसको कर दो अच्छे से भाई कि मेरे माइंड में पेस्ट हो जाए, ऐसे ब्रश लगा के ऐसे से अच्छे से पेस्ट हो जाए आपके माइंड में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसको बहुत ध्यान से करना कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, क्वेश्चन डिटर्मिनेशन क्या होता है, नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, एक एक चीज़ बहुत डिटेल, ठीक है, क्लियर। ऐसे अब दूसरा इकोनॉमिस्ट आ गए चेयरमैन, इनके फॉर्मूले को हम रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं, गिवन जब रैंक्स गिवन नहीं होते फिर दो सिचुएशन हो सकती है कि सारे रैंक्स डिफरेंट हो या कुछ रैंक सेम हो, रिपीट के हिसाब से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते, तो वो तो चीज़ पॉसिबल नहीं है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए ये वाला और ये वाला, ये वाला फॉर्मूला हमें कई बार अप्लाई करने के लिए आ जाएगा, जिसमें या तो हमें डी स्क्वायर भी दिया होगा, एन भी दिया होगा, या सिग्मा डी स्क्वायर और आर एस दिया होगा, आपको एन निकालना होगा, तो इस तरह से आएगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर लेंथी क्वेश्चन ऐसे दिया हो कि आपको डाटा दिया हुआ है उसमें आप चेक कर रहे हो रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे, फिर रैंक असाइन कर रहे हो, फिर सॉल्व कर रहे हो, ये क्वेश्चन आ, ठीक है, क्लियर। कार्पियसन के टेस्ट को हमने पैरामीट्रिक टेस्ट बोला था, स्पीयर मैन को हम नॉन पैरामीट्रिक बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी मेजर, ठीक है, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स बिटवीन टू वेरिएबल इज जीरो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सीधा सीधा में टिक करने के लिए आ जाएगा, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस आपको एक बार दोबारा से अच्छे से रिवाइज करनी है और आपकी स्टेट्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस जो चीज़ें आपको मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि इस चैप्टर में से क्या क्या आना इम्पॉर्टेंट है, किस किस पे आपको फोकस करना है, किस तरह से क्वेश्चंस को प्लान करना है, समय आपको कंकरेंट डेविएशन में ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, मतलब कार्ल पियर्सन पैरामीट्रिक था, बाकी दोनों क्या हो गए नॉन पैरामीट्रिक हो गए, ये इसका है, इसमें एन हमारा होता है नंबर ऑफ अ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस वन, मतलब जितनी ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई है उससे माइनस वन नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस, जितनी पॉजिटिव साइंस हैं 1, 2, 3 साइंस है, तो ये 1 × 2 करने के बाद सी के पॉजिटिव साइंस एक ही आ रहा है, तो सी 1 आ गया और एन कितना आ गया 4, तो मैं फॉर्मूले में डालूंगी और अपना आंसर डाल दूंगी, ठीक है। सेम कोरिलेशन के बेस पे रिग्रेशन, इसको भी स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू भी फ्रॉम माइनस वन से 1 तक होती है, ना तो माइनस वन से कम हो सकती है ना ही 1 से ज़्यादा हो सकती है। रिग्रेशन में क्या होता है, एक वेरिएबल मेरा डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, अगर वाई डिपेंडेंट है एक्स पर तो मेरी इक्वेशन बनेगी वाई ऑन एक्स की, और एक्स डिपेंड ऑन वाई है तो एक्स वाई की इक्वेशन,
एक डिपेंडेंट हो जाएगा और एक इंडिपेंडेंट बन जाएगा। ए और बी इनमें कांस्टेंट होते हैं जिसे हम रिग्रेशन पैरामीटर्स कहते हैं, को हम वाई इंटरसेप्ट भी कहते हैं और बी को हम स्लोप या रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। मेंशन करेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट के हमारा स्लोप किसका है, वाई ऑन एक्स का, ये किसका स्लोप है, एक्स ऑन वाई। दोनों के स्लोप्स का अनमल्ट के मल्टीप्लीकेशन का रूट मेरा क्या बन जाता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। दोनों के स्लोप्स के मल्टीप्लीकेशन का रूट का क्या बन जाता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। सिंपल रिग्रेशन हमारा दो टाइप का होता है कि दो वेरिएबल होते हैं, वो लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर। नॉन लीनियर को हम कर्वी लीनियर भी कहते हैं और मल्टीपल में जब हमारे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल। फॉर्मूले हैं जो स्लोप्स निकालने के लिए हम करते हैं, स्लोप निकालने के फॉर्मूले हैं वाई एक्स और बी वाई को रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये हमारे हैं वाई ऑन एक्स के और ये वाले हैं हमारे एक्स ऑन वाई के, ठीक है। बी वाई एक्स मतलब वाई ऑन एक्स, बी एक्स वाई मतलब एक्स ऑन वाई, ठीक है, क्लियर। प्रॉपर्टीज अगेन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कोरिलेशन की बोली थी, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा वाली इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ये ध्यान रखना कि जो बी एक्स वाई का साइन है, बी वाई एक्स का साइन है और आर का साइन है सेम होना चाहिए, वहाँ पे क्या कन्फ्यूज़न। जैसे मैं कहती हूँ बी एक्स वाई है 4 और बी वाई एक्स है मेरा 1/4, आर क्या है मेरा 4 × 1/4 1, मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ऑप्शन मैंने लिया वाई एक्स वाई है मेरा -4, वाई एक्स है मेरा -1/4, आर हो गया मेरा -4 −1/4 1, ठीक है। अब यहाँ तो तीनों प्लस थे भाई, यहाँ यहाँ माइनस है मैम, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस माइनस तो प्लस बन गया, नहीं। रिग्रेशन कोफिशिएंट में दोनों माइनस है तब भी आपको आंसर में माइनस साइन लगाना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो रिग्रेशन तो कभी आंसर माइनस में आ ही नहीं सकता, कि रूट तो तभी पॉसिबल है जब दोनों सेम साइन के हो। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे बोल देती एक्स वाई इज 4, वाई एक्स इज -4, आर इज इक्वल टू 4 × -1/4 अंडर रूट ऑफ -1, मैं क्या कहती, आर नॉट पॉसिबल, कि माइनस वैल्यू का मैं रूट नहीं निकाल सकती, वो सिर्फ इमेजिनरी नंबर में, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पॉसिबल है और किसी पे पॉसिबल नहीं, तो मैं नॉट पॉसिबल लिख देती। यहाँ से रूल लगता है कि इसका साइन और इसका साइन, तीनों का साइन सेम होना चाहिए तभी रिग्रेशन कोफिशिएंट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। मतलब इतनी छोटी सी बात है लेकिन उसका मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है जो हमें समझना पड़ेगा। स्लोप हमने पढ़ लिया, वाई ऑन एक्स का है तो बी वाई एक्स, और अगर एक्स ऑन वाई का है इसी के बेस पे मैं निकाल देती हूँ तो 1/4। रिग्रेशन लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट करती हैं अपने मेन पर, रिग्रेशन लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे पर, इसका मतलब इस अगर परपेंडिकुलर हैं वो आर हमारा जीरो हो जाएगा, कोइंसाइड है, आइडेंटिकल है, या आप इसको कह सकते हो पैरेलल है, तो आर हमारा +1 या -1 कुछ भी हो सकता है। इसमें हमारा कोरिलेशन भी चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल से अफेक्ट नहीं होता था, तो रिग्रेशन भी चेंज नहीं होता, चेंज ऑफ ओरिजिन और देखो अगर मैं दो इक्वेशन की बात करती हूँ तो इनका बहुत बड़ा मेथड है आंसर निकालने, क्या करना है आर निकालना है। आर निकालने का शॉर्टकट होता है a1b2 साइड में b1a2 का अंडर रूट, चेक कर लो कि वो लेस देन वन है या नहीं। अगर लेस देन वन नहीं आ रहा तो हम इसका रिवर्स कर देते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर लिख देना, न्यूमरेटर नीचे लिख देना, फिर चेक कर लेना, तो सीधा आपका रिग्रेशन आप सॉल्व कर पाओ। अगर x और y के कोफिशिएंट मेरे अपोजिट हैं, अपोजिट साइन के हैं, तो इसका मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और अगर ये सेम साइन के हैं तो रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव है। कि आंसर के आगे प्लस माइनस भी तो डालना है, हमें ये देखा है कि रूट के अंदर माइनस हो तब भी बाहर माइनस लगा, ये चीज़ भी आपको चेक करनी। तो ये क्वेश्चन करा, वैल्यू निकाली, अब इसमें क्या था एक्स वाई के साइन कैसे थे, अपोजिट थे, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, तो आंसर मैंने 8/15 डाल दिया, ये पॉसिबल है, ठीक है, क्लियर।
और सीधा आपको बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दिया हुआ है, तो उसका रूट निकालोगे और सॉल्व कर दो। अगर अब आपको क्या दिया हुआ है, हमारे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये दो वैल्यूज तीन वैल्यूज दी हुई हैं, एक वैल्यू मिसिंग है उसका आंसर, तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू डालो और जो वैल्यू मिसिंग है वो निकालो। अब जो आंसर निकलेगा वो स्क्वायर का निकलेगा, ठीक है, मतलब वेरियंस का निकलेगा, और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है तो उस आंसर का रूट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाए। अब जैसे हम कहते हैं, कहती हूँ पाई हमने फोर लिया, पाई एक्स हमने पाई फोर ले, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई लिया सिक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मुझसे क्या लिखूंगी, एक्स वाई डिवाइड में बी बाई एक्स। ध्यान रखना जिसका ऊपर लिखा है एक्स वन वाई, पहले जो लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन उसी का ऊपर आएगा, फोर बाय वन बाय फोर, वाई का दिया हुआ है सिक्सटीन, यहाँ ऐसे हो गया और यहाँ पे सिक्सटीन और आ गया, तो सिक्सटीन आ गया, कैलकुलेशन बढ़ तुम्हें बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आ गया मेरा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन पेपर में आराम से इस टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं जो आ सकते हैं, डाटा बेस नहीं आ सकते। ये जो बातें हमने मार्क की हुई हैं अपना क्वेश्चन करते टाइम पढ़ते टाइम जो मार्क की हुई है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी और मुझसे क्या पूछा गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्स पूछा, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया था, तो आराम से मैंने फॉर्मूले में वैल्यू डाली और भी डाल दी। सारी बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको रिवाइज करके जाना है, ये नहीं कि आप लॉन्ग क्वेश्चन बैठ के प्रैक्टिस कर, कैलकुलेटर में बता रहा हूँ मैं प्रैक्टिस, सारी बातें जितनी करी हुई हैं ये आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, और सीए मॉड्यूल में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से रिकॉल करना है, ठीक है। ठीक है जी, अभी के लिए इतना, टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करवाए हैं, प्लस मैंने आपको कोशिश की है बताने की कि एग्ज़ाम में आपको किन करना है, या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमारे पेपर में हमसे पूछा जा सकता है, और किस चीज़ टाइम डिवोट, तो आप लोगों की हेल्प हुई होगी, आप लोग उस चीज़ बाय बाय। और हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस। हमने प्रीवियस क्लास में 25 टू 30 मार्क्स का अपना स्टेट्स का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो बच रहा है इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, सेकेंडली प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दो टॉपिक हम इस क्लास में कवर करेंगे और उसमें हमारी पूरी स्टेट्स कवर हो जाएगी जो 40 मार्क्स की है, और होपफुली आप लोग इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि 30 मार्क्स तो आराम से हमारे 100% श्योर है हम कवर कर सकते हैं। बस जिन पॉइंट्स को मैं आपने प्रैक्टिस की है, सारा रिवाइज भी कर लिया है, जिन पॉइंट्स को मैं स्पेशली फोकस करवा रही हूँ आपको या हाईलाइट करवा रही हूँ, उन पॉइंट्स पे और फोकस कर लेना, सीए मॉड्यूल के सारी इलस्ट्रेशंस एक बार गो थ्रू कर लेना, सारी प्रॉपर्टीज जो हमने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं उन्हें प्रॉपर वे में रीडिंग कर लेना, रीड कर लेना, लॉजिकली रीड करना कि ऐसा क्यों बन रहा है, जिससे वो स्किप ना हो या एग्जाम टाइम में जाके कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर इंडेक्स नंबर से, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। तो सबसे पहले जब हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं, इंडेक्स नंबर है क्या, मुझे हर चीज एक्चुअल में जाननी है, ये नहीं कहना कि पहले मेरी सैलरी 50,000 थी, अब आफ्टर 5 ईयर मेरी सैलरी 1 लाख हो गई। अगर मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो फिर मैं एक्चुअल में इकोनॉमिक्स को या जो हमारी इकोनॉमी का पैटर्न है उसको समझ नहीं पाई, क्योंकि क्या है, इन 5 सालों में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, अगर अब मेरे पास 500 रुपये हैं, सपोज मेरे पास 500 रुपीज़ हैं, तो उसमें मैं चाहूँ कि मेरा 2 दिन का खर्चा चल जाए, सब्जियाँ भी आ जाएँ, सब कुछ काम आ जाए, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन मुझे ये लग रहा है आज मेरे पर्स पे, पहले मेरे पर्स पे 500 रुपये होते थे, 5-10 साल पहले बहुत ज़्यादा पैसे होते थे, लेकिन आज भी मैं सोच के खुश हो जाऊँ कि 500 रुपये हैं बहुत सारे हैं तो नहीं हो सकता। तो हमें क्या रियल जानना है, रियल सैलरी है कितनी, रियल सैलरी की जब मैं बात करती हूँ तो उसकी परचेजिंग पावर के बेस पे करती हूँ कि पहले कितना सामान आता था 50,000 में और अब 1 लाख में कितना सामान आता है, उसको कंपेयर करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे कोई इंडेक्स नंबर चाहिए।
इंडेक्स नंबर अब कोई भी ईयर हो सकता है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट क्यों डिसाइड करती है भाई, मैं क्यों नहीं डिसाइड करती? क्योंकि हमें एक ऐसा ईयर लेना है जिसमें ज्यादा अनकॉमन चीजें ना हुई हो, जैसे कोरोना है। इस साल हमारी जीडीपी रेट, ग्रोथ रेट, बिजनेस सब एक बहुत ही बिलो लेवल पे चले गए, लॉकडाउन हो गया। तो नॉर्मल ईयर्स में, नॉर्मल टाइम पीरियड में ऐसा नहीं होता, तो इस ईयर को मैं बेस ईयर कभी भी सिलेक्ट नहीं करूंगी। जो एक नॉर्मल ईयर होता है जिसमें ऐसा कुछ बॉटम से हाई या लो ना हुआ, उस ईयर को हम बेस ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ये बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के बाद डिसाइड करती है कि मुझे कौन सा बेस ईयर लेना है। जब मैं करंट ईयर को कंपेयर करना चाहती हूँ अपने बेस ईयर की सैलरी से, कि पहले 50,000 थी, 5 साल बाद 1 लाख हो गई, देखने में तो मनी की टर्म्स में तो बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या ये बड़ी है? तो जब मैं इन्फ्लेशन का इफेक्ट इसे 1 लाख में से हटा देती हूँ, तो ये सैलरी बनती है मेरी 45,895। तो क्या मुझे खुश होना चाहिए? नहीं। तो एक्चुअल में जब हम रियल बेस पे कंपैरिजन करने जाते हैं, तब एक्चुअल तब पता चलता है, उससे पहले एक्चुअल पता नहीं चलता। तो गवर्नमेंट को अगर डिसीजन लेना है, ये देखना है एक्चुअल में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। गवर्नमेंट लेमैन की तरह काम नहीं कर सकती, जो सिर्फ मॉनेटरी टर्म में डिसाइड कर लेता है कि कल पहले मुझे 10,000 प्रॉफिट हो जाता था और अब मुझे 20,000 प्रॉफिट हुआ है। पहले भाई 10,000 की परचेजिंग पावर जो थी, 20,000 की परचेजिंग पावर अब 1,000 के बराबर है, तो तुझे प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ है। तो जब हम लेमैन की लैंग्वेज में बात करते हैं तब तो ये होता है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, इस भाषा में बात नहीं कर सकते। तो जब हम करंट ईयर की वैल्यू को एक बेस ईयर के बेस पर कन्वर्ट करके कंपैरिजन के लायक बना देते हैं, उसे इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो जिस ईयर को मैं सिलेक्ट करूंगी वो मेरा बन जाएगा बेस ईयर। तो दो चीज़ें हो गई, बेस ईयर और करंट ईयर। इसको हम जीरो डिनोट करते हैं जीरो से, और इसको करते हैं वन से। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? प्राइस हो सकती है और क्वांटिटी हो सकती है। बेस ईयर के प्राइस को मैं क्या बोलूँगी? पी ज़ीरो। करंट ईयर को पी वन। क्वांटिटी को क्या बोलूँगी? क्यू ज़ीरो और क्यू वन। ये चार टर्म्स हो गई बेस। अब मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, पी ज़ीरो लिखा हुआ है, सबको पता चल रहा है बेस ईयर का प्राइस है, क्योंकि ज़ीरो बेस ईयर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर में से हमें डेफिनेशन पता होने चाहिए, मेथड्स पता होने चाहिए इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के, क्या क्या टेस्ट होते हैं। टेस्ट वाला तो वैसे भी इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। एप्लीकेशन क्या होती है इंडेक्स नंबर की, अगर मुझे बेस शिफ्ट करने के लिए बोला जाए तो कैसे करूँगी, दो सीरीज को मर्ज करने के लिए, स्प्लाइस करने के लिए बोला जाए तो कैसे करूँगी, ये हमें इस चैप्टर में से पढ़ना होता है। बेस ईयर और करंट ईयर आपको कन्वर्ट क्लियर हो गया। अब जब इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करना है तो सिंपल कमोडिटी और मल्टीपल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी में हमारा फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर और चेन में इंडेक्स नंबर दो कंसेप्ट जाते हैं। पी जीरो वन मतलब वन करंट ईयर है और जीरो बेस ईयर है, तो फॉर्मूला लगेगा पी वन बाय पी जीरो इंटू हंड्रेड। चेन बेस इंडेक्स में भी हमारा फॉर्मूला लगेगा पी वन बाय पी जीरो इंटू हंड्रेड। लेकिन मल्टीपल कमोडिटी में अनवेटेड और वेटेड दो मेथड जाते हैं। अनवेटेड में फिर सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव में सिग्मा पी वन, यहाँ पे हमने पी वन बाय पी जीरो इंटू हंड्रेड किया था एक इंडिविजुअल का, यहाँ पर हमने सिग्मा पी वन बाय सिग्मा पी जीरो इंटू हंड्रेड किया। यहाँ पर हमने ईच एंड एवरी ऑब्जर्व कमोडिटी का पी वन बाय पी जीरो इंटू हंड्रेड निकाला, फिर उस आंसर का सिग्मा करके डिवाइड बाय एन किया तो इंडेक्स नंबर आया। मतलब जैसे मुझे तीन कमोडिटी दी हुई है, ये पी वन है, ये पी जीरो है, मैं हर कमोडिटी का पी वन बाय पी जीरो इंटू हंड्रेड निकालूंगी। फाइव है, ये फोर है, तो फाइव बाय फोर इंटू हंड्रेड। ये थ्री है, ये फाइव है, तो थ्री बाय फाइव इंटू हंड्रेड। इन सबको निकालती जाऊंगी, इनका टोटल करूंगी, और पी जीरो वन क्या होने वाला है मेरा टोटल, कितनी ऑब्जर्वेशन है? थ्री। तो ये मेरा आंसर होने वाला, इसे हम कहते हैं लिंक रिलेटिव। वेटेड में हमारे फॉर्मूले जाते हैं लास्ट पेयर, पास्चे, फिशर और डॉर्बिश। ये फॉर्मूले भी मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था कि आपको याद ही ना करना पड़े। फॉर्मूला लिखने का मैंने आपको तरीका बता दिया था कि आपको याद ना करना पड़े, दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट पेयर का फॉर्मूला लिखना है भाई, क्या करना था? सिग्मा सिग्मा लगाओ, पी वन पी जीरो डालो, आगे क्यू जीरो डाल दो और इंटू हंड्रेड। पास्चे का लिखना है, सिग्मा सिग्मा डालो, पी वन पी जीरो डाल दो, आगे क्यू वन लिखो और ये बन गया। इसके बाद फिशर का लगना आना है, फिशर का होता है अंडर रूट ऑफ एल इंटू पी, इन दोनों के फॉर्मूले का एवरेज। और अगर मुझे मार्शल तो वैसे नहीं है, डॉर्बिश का है हमारे सिलेबस में, डॉर्बिश का लगाना है तो एल और पी के फॉर्मूले का एवरेज, या मैं कह सकती हूँ एवरेज ऑफ लास्ट पेयर एंड
ठीक है, याद हो गए ना फॉर्मूले, रिकॉल हो गए ना, क्योंकि याद करने में बहुत से बच्चे पीको पोको करके भी याद करते हैं, तो उससे भी कर सकते हो। मतलब मेन बात है कि आपको क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको उस चीज से क्लियर है उससे कर लो, नहीं तो मैंने आपको, अगर उसमें डाउट है या नहीं आता तो मैंने आपको लिखने का इजी तरीका बता दिया, इससे भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो तो कभी गलत नहीं होगा। ये टेबल तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, 100% आने वाला है क्वेश्चन इसमें से, कि कौन सा फॉर्मूला हमारा कौन से टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। ट्रांसफर की बात करते हैं तो ये सिर्फ यूनिट टेस्ट को करता है, पासी की बात करते हैं तो ये यूनिट टेस्ट को करता है, फिशर की बात करते हैं तो ये तीन टेस्ट को सेटिस्फाई कर देता है, मार्शल की बात करते हैं तो ये दो टेस्ट को सेटिस्फाई कर देता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट टेस्ट तो सारे सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टेस्ट कौन सेटिस्फाई कर रहा है? मेरा फिशर। इसका मतलब फिशर मेरा आइडियल फॉर्मूला है जिन्हें मुझे टेस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है। फिशर मेरा आइडियल फॉर्मूला है जो मुझे टेस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्लियर, सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं। अब टेस्ट की बात करते हैं। यूनिट टेस्ट हमारा क्या होता है? फ्री फ्रॉम एनी यूनिट। अब ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेडली हमारे एग्जाम में आती है, जबकि इसमें फॉर्मूले में कुछ है ही नहीं भाई, लेकिन ये फिर भी आती है। टाइम रिवर्सल टेस्ट में एक बार हमने जीरो को बेस ईयर लिया, वन करंट ईयर लिया, दूसरी बार हमने वन को करंट ईयर लेके जीरो को बेस ईयर ले लिया, तो मल्टीप्लाई किया, आंसर वन आना चाहिए, तो ये मेरा टाइम रिवर्सल टेस्ट है। अब इसका आंसर वन आ रहा है, तो वन किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट को। तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ? यूनिट टेस्ट भी कह सकती हूँ। इसको मैं क्या कह सकती हूँ? यूनिट टेस्ट भी कह सकती हूँ। फैक्टर रिवर्सल में P01, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स, ये तीनों आ जाते हैं तो मेरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो जाता है। सर्कुलर टेस्ट में हम शिफ्टिंग ऑफ बेस इन ईयर्स कर रहे हैं, मतलब हमने 3 साल ले लिए, बेस ईयर, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर। P01 × P12, 1 पे खत्म हुआ था, 1 से शुरू कर दिया, 2 पे खत्म हुआ था, 2 से शुरू कर दिया, और आंसर के मल्टीप्लीकेशन का 1 आना चाहिए। एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ही है जो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए मैंने आपका ये लिस्ट में भी ऐड कर दिया था जिससे आप ना भूलो। यही एक ऐसा मेथड है जो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, बाकी सारे मेथड हमारे यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। फिशर को आइडियल इंडेक्स कहते हैं कि बहुत सारे टेस्ट को सेटिस्फाई कर देता है, लेकिन जो सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला है वो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला है सिंपल एग्रीगेटिव जो यूनिट टेस्ट को नहीं करता, जिसको सब करते थे, लेकिन सर्कुलर टेस्ट को करता है जिसको कोई भी नहीं करता था, तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट बन जाता है यहाँ पर। ये मेरा ईयर 2001 है, ये मेरा ईयर 2010, इसमें मुझे नॉमिनल जीडीपी निकाली तो मल्टीप्लाई करके निकाल दी, इसमें नॉमिनल निकाली तो मल्टीप्लाई करके निकाल दी। अब इसके बेस पे अगर मुझे इंडेक्स निकालना है तो P1 / P0 × 100 करा, 150 आ गया मेरा इंडेक्स, तो अब डिफ्लेटेड वैल्यू निकालती हूँ मैं 150 लाख की। तो एक तरीका तो क्या है, एक तो ये फॉर्मूला बता दिया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है डिफ्लेटेड वैल्यू निकालने का, कि Q1 लो लेकिन मैंने प्राइस बेस ईयर वाला लेना है, Q1 लो प्राइस बेस ईयर वाला लेना है तो मैं P0 ले लेती हूँ। Q1 लिया लेकिन प्राइस बेस ईयर वाला लेना है, ये क्या है, मेरा बेस ईयर के बेस पे ही तो कन्वर्ट होता है इंडेक्स नंबर में, तो 100 × 1000 क्या आने वाला है, 1 लाख। ये आंसर और ये आंसर मेरा सेम आ गया, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है हम कैसे भी करें, ठीक है। क्लियर हो गया, इंडेक्स नंबर से मुझे पता चल गया जो मुझे 1,50,000 वैल्यू दिख रही है एक्चुअल में वो 1 लाख ही है, और 1 लाख को मैं जब 1 लाख से कंपेयर करती हूँ तो इस 10 साल में कुछ भी नहीं इंक्रीज हुआ, मैं जहाँ पहले खड़ी थी वहीं अभी खड़ी हूँ। सिर्फ मैं अमाउंट देख के खुश हो सकती हूँ, अदरवाइज इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ा, मेरी परचेजिंग पावर पहले जितनी थी अभी भी उतनी, ठीक है। क्लियर, अब बात करते हैं बेस शिफ्टिंग की, बेस शिफ्ट करना है। बेस शिफ्ट करना है उस केस में क्या हुआ, पहले बेस ईयर इनका 2000 था, 100 था, तो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, लेकिन नया बेस अब 2002 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, हर वैल्यू को इस 300 से डिवाइड इनटू 100 करती जाऊँगी, तो मेरा नया बेस आ जाएगा 2002। सिर्फ क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं,
2005 से लिख, ये इंफॉर्मेशन है। 100 का मतलब है ये बेस ईयर था और मुझे न्यू बेस ईयर ये चाहिए 2008। अब मैं क्या करूंगी, न्यू इंडेक्स निकालूंगी, हर वैल्यू को किससे डिवाइड करूंगी, 120 से। 100 डिवाइड में 120 इंटू 100, 50 डिवाइड में 120 इंटू 100, 50 डिवाइड में 120 इंटू 100, 120 डिवाइड में 120 इंटू 100। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना तो देंगे नहीं, ये पूछा जाता है कि मैं अगर बेस शिफ्ट कर देती हूँ 2005 से, मैंने अपना बेस 2008 में शिफ्ट करना है। क्वेश्चन है, वी वांट टू शिफ्ट बेस फ्रॉम 2005 टू 2008, व्हाट इज न्यू इंडेक्स ऑफ 2008। तो क्या आप इतना सारा सॉल्व करोगे? नहीं भाई, जो बेस होता है उसका इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होता है, 100 होता है। जो हमारा बेस ईयर होता है उसका इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है। तो सीधा सीधा मैं उसको सॉल्व करे बिना बता सकती हूँ कि मैम जो नया बेस होगा उसकी वैल्यू, नया इंडेक्स 100 ही होने वाला है। पहले बेस 2005 था तो उसका इंडेक्स नंबर 100 था, अब नया बेस मेरा 2008 है तो उसका नया इंडेक्स कितना होने वाला है, 100 होने वाला है। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं हम स्लाइसिंग की। दो सीरीज को मिक्स करना है। इसमें क्या हुआ, आधे क्वेश्चन में तो बेस 2000 था लेकिन 2004 का एक तो पुराने इंडेक्स से वैल्यू दी हुई है और एक नए इंडेक्स से भी वैल्यू दी हुई है। मैं इन सबको मिक्स करना चाहती हूँ। मिक्स करने वाले में मैंने क्या किया, मैंने ईयर 1995 को बेस पीरियड मान लिया, ईयर 1995 को बेस पीरियड मान लिया। तो हर इस बेस ईयर की वैल्यू क्या थी, ये थी। हर वैल्यू को मैं इससे डिवाइड करती जाऊंगी और मल्टीप्लाई बाय 100 करती जाऊंगी और कुछ नहीं, हर वैल्यू को इससे डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 करती जाऊंगी और ये सीरीज मेरी इसके ऊपर फिर चलने लग जाएगी, फिक्स हो जाएगी। इसे हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, क्लियर? हर वैल्यू को मैं 114.2 से डिवाइड इंटू 100 करती जाऊंगी। जैसे मैंने ये किया तो ये वैल्यू अब इसी के लाइन के ऊपर आ जाएगी, तो मेरी ये एक ही लाइन में सीरीज आ जाएगी, दो सीरीज नहीं रहेंगी। इसे हम कहते हैं स्प्लाइसिंग, मर्जिंग ऑफ टू सीरीज विद कॉमन बेस। ये हमारा था पूरा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के बाद हमने चैप्टर किया टाइम सीरीज का। टाइम सीरीज क्या होती है, जब हमें ट्रेंड पता लगाना है, जैसे आजकल आईपीएल चल रहा है तो हम देखते हैं कि किस टीम का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, स्कोर वाइज ओवर्स बढ़ते जा रहे हैं, अपर ट्रेंड जा रहा है, यहाँ पे विकेट गिरी थी उसकी, यहाँ पे गिरी थी, एक पैटर्न हम देख लेते हैं। तो वो ट्रेंड हमें पता लगाना है जिससे मैं अगले ओवर का, अगले पाँच ओवर का प्रेडिक्शन कर पाऊँ कि अगले पाँच ओवर में इतने रन बन सकते हैं, ये रन रेट चल रहा है, इस तरह का पैटर्न चल रहा है, ये वाला बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहा है, ये बॉलर अच्छी बॉल फेंक रहा है, स्पिनर डाल रहा है, तो मैं अगले पाँच ओवर का प्रेडिक्शन कर पाऊँ। तो वो होता है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, TSCI। टी मतलब सिंपल ट्रेंड या सेकुलर ट्रेंड, एस मतलब सीजनल ट्रेंड, सी मतलब साइक्लिकल ट्रेंड और आई मतलब इरेगुलर ट्रेंड। ये चार टाइप के ट्रेंड होते हैं और ये इनके मेथड्स होते हैं। जब मैं मॉडल्स की बात करती हूँ तो मॉडल्स में आता है एडिटिव, मतलब इन सबको ऐड कर दो, मल्टीप्लिकेटिव मतलब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। एडिटिव मॉडल हमारा इंडिपेंडेंट होता है और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल हमारा डिपेंडेंट होता है। पूरा पेज आपका 2 मिनट में कवर हो गया। ठीक है, चारों कंपोनेंट को प्लस कर दो तो एडिटिव, मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लिकेटिव। ये हमारे मॉडल मल्टीप्लिकेटिव वाला कैसा होता है, डिपेंडेंट होता है, और एडिटिव वाला कैसे होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कि ग्राफिकल मेथड है, जैसे मैं अभी क्रिकेट स्कोर की बात कर रही थी कि हम ट्रेंड देख रहे हैं और पता चल जाएगा अगले पांच ओवर में, दो ओवर में क्या पैटर्न है। एडवांटेज क्या होते हैं, सिंपल इजी होती है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। डिसएडवांटेज है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, प्रेडिक्शन ही तो हो रही है। और अगर हमारा पीरियडिक पीरियड बहुत स्मॉल हो, जैसे मैं एक ओवर की बात करूँ तो एक ओवर के लिए हमारा रिजल्ट
गड़बड़ हो सकता है, गड़बड़ होने के चांस बहुत ज़्यादा है। सेमी एवरेज के पूरे पार्ट्स को, दो पूरे डाटा को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो और दोनों पार्ट्स का एवरेज निकाल दो, तो आपका सेमी एवरेज मेथड आ जाएगा। ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब एन इवन नंबर हो, ऑड होगा तो दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेंटर वैल्यू को छोड़ देंगे, दो पार्ट में डिवाइड किया, नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दिया और दो एवरेजेस आ गई, कहते हैं सेमी एवरेज। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज के दो कंसेप्ट होते हैं, इवन और ऑड। जब मैं ऑड की बात करती हूँ तो 3, 5, 7 ऐसे जाता है, और इवन की बात करती हूँ तो 4 ईयर जाता है। इसकी भी कैलकुलेशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है एग्जाम में आना, अदरवाइज हमने किया था छोटा सा क्वेश्चन, 3 ईयर निकाल रहे थे, 3 3 वैल्यूज का टोटल करते जाएंगे। पहले फर्स्ट 3 का किया, फर्स्ट वैल्यू छोड़ देंगे, नेक्स्ट 3, फिर ये वाली वैल्यू छोड़ दोगे, नेक्स्ट 3, ऐसे हमारा चलता जाएगा। टोटल को कहाँ सेंटर पॉइंट में लिखेंगे, 2 3 4, 3 वैल्यूज का सेंटर पॉइंट क्या होगा मेरा यहाँ, तो यहाँ मैं टोटल लिखूंगी। और एवरेज के लिए 3 वैल्यू का टोटल किया है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन इसके आने का कोई चांस। लीस्ट स्क्वायर मेथड को अगर मैं याद करना चाहती हूँ तो शॉर्टकट है कि रिग्रेशन इक्वेशन की 2 इक्वेशन थी, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, तो ये वाई ऑन एक्स वाली इक्वेशन है मेरी, सेम वही है इसका मतलब भी। इसमें बस हमें यहाँ पे सी लगा दिया ट्रेंड वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो भी मैंडेटरी नहीं है लगाओ या मत लगाओ, जनरली हम लगा देते हैं जो ट्रेंड वैल्यूज को शो करता है। तो वैल्यू को, ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम ये 2 इक्वेशन यूज करते हैं, वैल्यू पुट करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्सिट्यूट, तो हमारा आंसर आ जाता है। ये था हमारा पूरा टाइम सीरीज। तो आपने ये देख लिया कि क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है, थियोरेटिकल बेस्ड कंसेप्ट हमारे ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज तो बहुत फास्ट होने वाले चैप्टर हैं, जिसमें आप आधा घंटा या 1 घंटा लगाओगे तो पूरा डिटेल में चैप्टर को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम 2 मिनट के बाद प्रोबेबिलिटी का चैप्टर और रिवाइज करेंगे, जिससे हम अपने स्टेट्स के 40 मार्क्स को सेव कर पाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली सबसे इजी चैप्टर है, जिसमें थ्योरी भी कंसेप्ट बेस्ड होती है, आराम से हमें पता भी है, हम फेमिलियर भी है। अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, अगर श्योर इवेंट है, 100% श्योरिटी आज बारिश होगी होगी, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आने वाला है, 1।
और मुझे लग रहा है इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। अगर मैं कहूं कि मार्च नवंबर में कोरोना टोटली खत्म हो जाए इंडिया से, इम्पॉसिबल है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है इस बात की? जीरो। तो मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू वन, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो गई। अब प्रोबेबिलिटी है क्या भाई? प्रोबेबिलिटी क्या है कि फेवरेबल इवेंट, जो काम मैं करना चाहती हूँ उसके चांस, और टोटल इवेंट, जितने टोटल पॉसिबिलिटीज है उसमें से जितने मेरे को चाहिए, जो जो काम मुझे चाहिए उनका जो परसेंटेज है, उनका जो रेशियो है वो है प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब फेवरेबल पे या तो कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। मिनिमम वैल्यू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू वन, और नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। ये हमारा प्रोबेबिलिटी है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहती हूँ मुझे किसी काम में सक्सेस मिली या नहीं मिली, दो ही चांस है, दो ही ऑप्शन है, या तो सक्सेस मिली या नहीं मिली। तो इन दोनों का टोटल क्या आना चाहिए? वन। सक्सेस को मैंने पी से डिनोट किया, फेलियर को क्यू से डिनोट किया, तो पी प्लस क्यू का टोटल मेरा क्या आ गया? वन आ गया। यहाँ पर ये पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ये क्या पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा हम पढ़ रहे हैं, जिस भी सेक्शन में हम पढ़ते हैं हम स्टेट्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, मैथ्स में नहीं पढ़ते। स्टेट्स का पार्ट होता है, मैथ्स में दी हुई है, इलेवेंथ की बुक में मैथ्स में हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, लेकिन जनरली हम स्टेट्स में ही प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं। तो लेकिन जो इनिशियली प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुई थी वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की तरह स्टार्ट हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% हमारे एग्जाम में आने का चांस है। इसमें आपका स्टैटिस्टिक्स भी आंसर दिया होगा और मैथमेटिक्स भी दिया होगा और बोथ भी दिया होगा, नन ऑफ दीज भी दिया होगा। तो आंसर क्या होने वाला है? मैथमेटिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ये वाला लाइन। प्रोबेबिलिटी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप की हो सकती है। सब्जेक्टिव को हम क्या जनरली मैनेजमेंट में यूज करते हैं डिसीजन वगैरह लेने के लिए। अब आती है टाइप्स ऑफ इवेंट की बात। यहाँ पर दो टाइप्स की इवेंट तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को बेटर वे में कर सकते हैं। वो कौन सी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। अगर दो इवेंट हैं, इफ दो कॉमन इवेंट इन टू इवेंट्स, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन हो ही ना। अगर मैं कहती हूँ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ना भी डालो, ए इंटरसेक्शन बी, कुछ कॉमन मैं ढूंढने जाऊं तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी अगर एग्जिस्ट करता है, 1/2, 1/3, कुछ भी एग्जिस्ट करता है तो इंडिपेंडेंट बन जाएगा। और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? पी ए इंटू पी बी की तरह भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है ए 1 2 3 दिया हुआ है, 3 4 5 और सैम्पल स्पेस दिया हुआ है 1 2 से लेके 6 तक, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना क्या दिख रहा है? 3। और प्रोबेबिलिटी क्या दिखेगी? 3/6, 1/6, एक ही नंबर कॉमन है। प्रोबेबिलिटी क्या दिखी हमें? 1/6। तो आंसर क्या हो गया मेरा? ये मेरा इंटरसेक्शन का आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ, आपको दिया हुआ है पी ए इंटू पी बी या पी ए इज इक्वल टू 1/2, पी बी इज इक्वल टू 1/3। अब आपको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, सेट्स तो गिवन नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगी? 1/2 इंटू 1/3, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/6। तो हमें सिचुएशन क्या गिवन है उस पर डिपेंड देखना पड़ेगा कि मुझे कैसे ये सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर? ये दोनों इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ जाएगी तो पूरी प्रोबेबिलिटी बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। इसके अलावा हमें कार्ड्स का और अच्छे से समझना है एक बार। सिंगल इवेंट, अगर उसमें एक ही इवेंट पॉसिबल हो। एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब मैं जो सैंपल स्पेस है और जो मेरे फेवरेबल इवेंट्स हैं सब सेम आ जाएं, तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स बन जाती है। इक्वली लाइकली इवेंट्स, जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की चाहिए, एक डाइस है
और मैं प्रोबेबिलिटी मांगती हूँ इवन नंबर की, और प्रोबेबिलिटी मांगती हूँ मैं ऑड नंबर की। ये कितनी है? 3। और ये भी कितने हैं? 3। 1/2, 1/2, तो ये दोनों इवेंट मेरी कैसी हो गई? फुली लाइकली। अगर दो इवेंट दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम आ जाती है तो उसे मैं कहते हैं इक्वली लाइकली। सैंपल स्पेस की बात करते हैं, तो अगर मैंने एक कॉइन को एक बार ही कॉइन को टॉस करा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बता सकती हूँ दो आएगा। दो बार किया तो कितने आएंगे? 4 आएंगे। लेकिन अगर मैंने 10 बार किया तो कैसे निकालूंगी? 2^n, मतलब 2^10 करके। सेम हमारा लगेगा डाइस पर, एक डाई को थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स होते हैं, दो को करेंगे तो 6^2। सेकेंड थिंग, एक डाइस को आपने टॉस किया दो बार या दो डाइस को एक साथ टॉस किया, हमारे प्रोबेबिलिटी में सेम है हमारे लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दो एक साथ थ्रो करो या एक एक करके थ्रो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बॉल्स का हम निकाल सकते हैं, हमारे बैग में जितनी बॉल्स होंगी टोटल, जितने भी कलर्स की हों, वो सब मिला के क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस। अब बात करते हैं कार्ड्स की। कार्ड्स टोटल कितने होते हैं हमारे? 52, जो बन जाते हैं हमारे सैंपल स्पेस, जिसको हमने दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, रेड कलर और ब्लैक कलर। रेड कलर के 26, ब्लैक कलर के 26। अब रेड कलर में भी दो शेप्स हमें मिलती हैं, डायमंड और हार्ट। तो 26 को हमने दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, 13 13, तीनों में, क्योंकि चार की चार कैटेगरी में 1 से 13 तक काउंटिंग लिखी हुई होती है। अब उस काउंटिंग में क्या होता है, 1 11 12 और 13, चारों को वो अलग अलग सिंबल से लिखते हैं। जैसे 1 के कार्ड को वो ए से लिखते हैं, 11 को जे से, क्यू को 12 से, और 13 को के से। तो ये मेरा ए का कार्ड मेरा एस कार्ड बन जाता है, और जे क्यू और के मेरा फेस कार्ड बन जाता है। क्वीन और किंग तो आपको पता है, जे को हम क्या कहते हैं? जैक। और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गुलाम। तो नेव भी एक वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब गुलाम होता है, तो इसको हम नेव भी बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों को हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। तो हर कैटेगरी में 3 फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। 6 रेड में, 6 ब्लैक में, टोटल एस कार्ड कितने हो गए? 4, 2 रेड में, 2 ब्लैक में, ठीक है। अगर मुझे ये कार्ड क्लियर हो जाते हैं, इसका मतलब मेरा कार्ड का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। मेन इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, एक बार समझ लेना है कि कार्ड में क्या क्या वेरिएशंस हो सकता है, और फिर क्वेश्चन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये हमने कर लिया। 0 मतलब इम्पॉसिबल, 1 मतलब श्योर इवेंट, दोनों का टोटल हमेशा 1 आएगा, पी ए प्लस पी नॉट ए। होगी या नहीं होगी? अब अगर हम फॉर्मूले की बात करते, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये कॉमन फॉर्मूला है, ठीक है। आपने ये कहा हो मुझे, ये मतलब हर सिचुएशन में लग सकता है, इंडिविजुअली हो, इंडिपेंडेंट हो, कोई भी लग सकता है। लेकिन क्या होगा, जब इवेंट्स मेरी इंडिपेंडेंट होगी तो उस केस में मेरा ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा, अगर इवेंट्स मेरी इंडिपेंडेंट होगी तो। आंसर तो फिर भी सही आएगा। तो क्या मैं फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ, लेकिन किस केस में? ओनली इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। सिर्फ इंडिपेंडेंट के केस में, अदरवाइज पूरा फॉर्मूला मेरा ये चलने वाला, ठीक है। इंडिपेंडेंट के भी ये भी लिखूंगी तो 0 आ जाएगा, और इसको हटा दूंगी तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब टॉपिक आता है ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट। प्रोबेबिलिटी तो हम सब ने पढ़ ली, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। लेकिन ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट में हम टोटल को नहीं लेते। अगर फेवर दिया हुआ है तो ऊपर फेवरेबल डाल दो, नीचे अगेंस्ट डाल दो। और अगर अगेंस्ट दिया हुआ है तो ऊपर अगेंस्ट डाल दो, नीचे फेवरेबल डाल। जैसे मैं कहती हूँ एक डाइस है गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2, ये मेरे इवेंट मुझे चाहिए, तो फेवरेबल में क्या आया? 2 और 4 और 6, क्योंकि कॉमन सेम सेम आ रहा है 3 3, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 ले लेते हैं, तो आंसर आया मेरा 3 और 6 फेवरेबल में आ गया। और अनफेवरेबल में या अगेंस्ट में क्या आया? 1 2 4 5,
अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑड्स इन फेवर। फेवर में फेवरेबल कितने थे? टू, और अगेंस्ट में कितने थे? चार, तो आंसर आया 1/2। और अगेंस्ट में चाहिए ऑड्स इन अगेंस्ट, अगेंस्ट में चार थे, आंसर आ गया 2। तो ये था मेरा ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट। इसके आगे हम प्रोबेबिलिटी नहीं लिखते क्योंकि इसका आंसर 2-1 से क्रॉस भी हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता लेकिन 1 से क्रॉस हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब एक फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन होती है, फॉर्मूले को देखो आप कैसे याद करना है। मुझे दिया हुआ है, इसे हम क्या करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, एक ही बात है, ये लिखो या ये करो। अब निकालें कैसे, ये तो लिखने का तरीका है। तो आपको क्या करना है, जो पहले लिखा है माइनस इन दोनों का इंटरसेप्ट। नहीं क्लियर हुआ? अगर मैं कहती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए लिखाओ या ये लिखाओ, बात एक ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखूँ या ए इंटरसेक्शन बी लिखूँ, सेम ही होता है क्योंकि कॉमन ले रहे हैं, तो किसी भी ऑर्डर में लें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और कंसेप्ट हमने किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो हम क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर में तो हम दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन डालते हैं, डिवाइड में हम डालते हैं जो गिवन हो। इसको हम पढ़ते क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसको हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो गिवन वाला पार्ट होता है वो डिवाइड में आ जाता है और इसका आंसर आ जाता है। हमें क्या पता होना चाहिए, अगर मुझे निकालना हो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कैसे निकालें, तो 1 माइनस पी, तो ये साइन है, इसको रिवर्स कर दूं, ये आपका इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, एज अ फॉर्मूला भी और एज अ एप्लीकेशन। एक और चीज जो आप लोगों को कंफ्यूज करती है, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, इसका ये मतलब है कम से कम, मीनिंग है इसका ये, तो मतलब हमें गो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम तक जाना है। एटमोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका मतलब है गो टू मिनिमम, मिनिमम तक जाओ। जैसे लिखाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3, क्या करूँगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 केस ऑफ डाइस। अब मैं कहती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 3, क्या करूँगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब अगर मुझे कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, ठीक है, मतलब P1, P2, बहुत टाइम लगने वाला, भाई क्वेश्चन दे कैसे दिया पेपर में, पॉसिबल नहीं है। अरे भाई पॉसिबल है, नहीं हमें ये पता है सारी प्रोबेबिलिटी का सम मैक्सिमम 1 हो सकता है, इन्होंने 0 वाला केस छोड़ रखा है, मैं 1 में से वो 0 वाला केस छोड़ दूंगी तो इसका आंसर आ जाए। तो हमें ये लॉजिक्स थोड़े से यूज़ करने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कई बार क्वेश्चन दिखने में बड़ा होता है लेकिन जब हम उसको ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से उसको देखो तो वो क्वेश्चन बहुत छोटा सा बन जाता है। ठीक है,
ऐसे ही अगर हमारी 3 इवेंट्स हो जाए। यहाँ पर करेक्शन करो, डिपेंडेंट में तो ये एग्जिस्ट करता है, एक्सक्लूसिव में 0 होता है, एक्सक्लूसिव में हमारा फॉर्मूला ये डिपेंडेंट में नहीं, इंडिपेंडेंट में तो एग्जिस्ट करता है, एक्सक्लूसिव में ये पार्ट 0 हो जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का, ठीक है। ये करेक्शन कर लो इसमें, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में, फॉर्मूला ये हो जाएगा। ऐसे 3 इवेंट्स होती हैं, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस इंटरसेक्शन माइनस किए प्लस जो कॉमन इंटरसेक्शन था वो प्लस कर दिया, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा तो ये सारे इंटरसेक्शन मेरे 0 होने वाले हैं, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। और ये हमें पता है जब सारे केस लिख लेते हैं यूनियन हमारा 1 हो जाता है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में इवेंट्स का टोटल हमारा 1 आ जाता है, यहाँ भी 1 हो जाएगा और ये यहाँ भी 1। क्लियर? प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ जो हमें और करनी है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोबेबिलिटी में मीन को रिप्रेजेंट करता है, इसका आंसर होता है सिग्मा पी इंटू एक्स, जो हमारा रैंडम वेरिएबल है उनको हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल कर देते हैं। मतलब जैसे आप मीन निकालते थे, एक्स दिया होगा, पी एक्स आपको दिया, आप एक कॉलम बनाओगे एक्स इंटू एक्स दिया है, पी एक्स दिया है, आपने एक्स इंटू पी एक्स का कॉलम का बनाया, इसका टोटल करा, ये आपका क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। एक्स स्क्वायर निकालने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ पूरे का स्क्वायर नहीं करना, सिर्फ एक्स का स्क्वायर करना है, मतलब जो आपने पी एक्स का आंसर निकाला था उसको अगेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास सिग्मा पी एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाए। वेरियंस हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला इसका ये होता है जिसकी वैल्यू हमें दी हुई होती है और उसके बेस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में मतलब रूट ऑफ वेरिएंस ये हम कर चुके हैं, ये हमारा डेफिनेट टर्म्स में एक फॉर्मूला होता है ई एक्स का, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। ऐसे ये हमारे वेरिएंस के डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो बस आपको पता होने चाहिए, इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। ये एक शॉर्टकट है कि अगर मेरा के का एक्सपेक्टेड, के सीरीज दी हुई है, के वेरिएबल्स हैं उनका एक्सपेक्टेड मीन के आ रहा है, के है मेरा मतलब सारी वैल्यूज मेरी कांस्टेंट है, के ही है, तो मेरा आंसर के आया। अगर 5 होगा तो 5 आ जाएगा, अगर के एक्स है, मैंने अपने वेरिएबल को के से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे मीन का जो आंसर पुराना था एक्सपेक्टेड वैल्यू का उसका आंसर भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर टोटल का निकालना है तो दोनों एक्सपेक्टेड मीन का टोटल कर दो, डिफरेंस निकालना है तो दोनों एक्सपेक्टेड मीन का डिफरेंस निकाल दो, मल्टीप्लाई निकालना है तो दोनों एक्सपेक्टेड मीन का मल्टीप्लीकेशन निकाल दो। यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, अब बचता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, तो इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थ्योरी पे मेन फोकस करना है, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, किस मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पार्ट जरूर हमें निकालने के लिए आ सकता है, तो वो हमें पता होना चाहिए, एन पी क्यू, तो वो तो बहुत ईजी सेक्शन है, तो मेन आपको इसके कंसेप्ट पे ही फोकस करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल। डिस्क्रीट में हमारे 2 टाइप के आते हैं, बाइनोमियल और पॉइजन। कॉन्टिन्यूस में फिलहाल हमें एक ही पता होना चाहिए, नॉर्मल, बाकी तो हमारे सिलेबस में है। बाइनोमियल की जब हम बात करते हैं तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है जो बर्नौली ने दिया था, तो ये बर्नौली का नाम भी हमें पता होना चाहिए, ये भी हमें
मार्क करने के लिए आ सकता है प्लस स्पेलिंग। फ्रेंड्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होती हैं, मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं होता, सेम एक्सपेरिमेंट हम बार बार करते हैं। हर ट्रायल के हर दो आउटकम हो सकते हैं, या तो सक्सेस मिलेगी या फेल्योर मिलेगी। इनका टोटल वन होता है कि हम पढ़ चुके हैं। ट्रायल्स हम इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करते हैं, मतलब पिछले वाले ट्रायल से इस नए वाले ट्रायल का कोई रिलेशन नहीं होता। इसे बायोमेट्रिक कहते हैं, कैरेक्टराइज बाय टू पैरामीटर्स एन एंड टी। ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। डिस्क्रीट वाले को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसका फॉर्मूला होता है, इसमें एन टोटल आउट, टोटल हमारे ट्रायल्स हैं, आर हमें जितनी सक्सेस चाहिए, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ। मीन निकालना है तो एन को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो अंडर रूट ऑफ एन इंटू पी इंटू क्यू ये निकाल देते हैं। वेरियंस निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो। एन पी क्यू का आंसर एन पी से कम आता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, मैंने उस टाइम भी बताया था। क्योंकि क्यू की वैल्यू हमारी क्या, पी और क्यू दोनों ही वैल्यू हमारी लेस देन वन है, तो हम जब क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा एन पी से ज़्यादा नहीं, कम ही आएगा। इसको अगर इस फॉर्म में लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, एन सी आर पी रेस टू पार आर क्यू रेस टू पार एन सी एन माइनस आर, मतलब एन आपका टोटल है और हमें आर सक्सेस चाहिए, ये इसका मतलब है। पैरामीटर वही है, सक्सेस हमारा जीरो से वन के बीच में ही लाई करेगा, या तो श्योर इवेंट होगा या इम्पॉसिबल, इससे इधर उधर तो जा ही नहीं सकते। अगर मोड निकालना है म्यू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू वेरियंस की कब होगी, जब पी और क्यू दोनों ही 0.5 हो, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एन बाय फोर, और इक्वल मतलब 1.5 लिखा हो या 1/2 लिखा हो, बात एक ही। सिमेट्रिकल भी तभी होता है जब इसकी वैल्यू 0.5, और मोड भी तभी इक्वल हो जाते हैं जब क्यू और पी और क्यू दोनों 0.5 हो। तो ये वाली बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन इनके चांस आने बहुत कम होते हैं। आएगा भी तो बिल्कुल बेसिक आएगा कि एक कॉइन को आपने चार बार टॉस किया और आपको दो हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बहुत ही बेसिक से। लेकिन ये जो हमने थ्योरी लिखी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और वेटेज के हिसाब से भी देखा जाए तो इस चैप्टर की वेटेज जितनी है हमारी, उसके हिसाब से भी अगर हम इसकी थ्योरी कवर कर लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो हमने इस चैप्टर की यूनिट की जितनी भी वेटेज है उसमें से 80-90% वेटेज कवर कर ली। फिर हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थोड़े बेसिक से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, तो ये चैप्टर हमारा अच्छे से हो जाएगा। ये हमारा सबसे बड़ी बात, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग केस होता है बाइनोमियल। ये वाले एग्जाम्पल भी आते हैं, नंबर ऑफ प्रिंटिंग एरर इन बैंक बुक, ये वाले एग्जाम्पल भी आते हैं कि इसमें सैम्पल साइज हमारा क्या होता है, लार्ज होता है और प्रोबेबिलिटी जीरो की तरफ मूव करती जाती है। एन हमारा बहुत ज़्यादा होता है, इसमें सक्सेस जीरो के आसपास होती है, 0.1 0.01 इस टाइप की होती है। इसे यूनिपैरामीट्रिक कहते हैं, इसमें एक ही पैरामीटर होता है एम, बाइनोमियल में दो पैरामीटर थे। ट्रायल्स ऑलवेज इंडिपेंडेंट, उसमें भी इंडिपेंडेंट थे, ये भी डिस्क्रीट है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बन जाएगा। और ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ पर आपको ई की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ई की वैल्यू 2.71828 होती है, 2.7183 भी हम ले सकते हैं, 8 को अगर हम इग्नोर करके राउंड ऑफ करते हैं तो दोनों से हमारा आंसर वेरी कर जाता है, तो हम अप्रोक्सीमेशन के बेस पे आंसर टिक करते हैं, कभी भी दो आंसर नियर बाय नहीं हमें ऑप्शन में। ठीक है, तो 828 करके भी आप कर सकते हो और 83 करके। इसमें मीन और हमारा एन पी होता है, वेरियंस भी एन पी होता है, मतलब मीन और वेरियंस सेम होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो रूट ऑफ मीन या रूट ऑफ वेरियंस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर पॉइंट को हमने म्यू डिनोट कर दिया, 50% एरिया इधर है, 50% इधर है। इस साइड हम नेगेटिव शो नहीं करते, लिमिट इसकी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, क्योंकि एरिया हम हमेशा पॉजिटिव शो करते हैं चाहे वो माइनस में क्यों ना आए, इसलिए एरिया में हमारा मॉडुलस यूज होता है। ये बेल शेप्ड कर्व है, ये गॉसियन कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। वो लिमिटेशन केस था, ये अप्रोक्सीमेशन केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें भी एन ज़्यादा होता है, कोई भी पी और क्यू क्लोज टू जीरो नहीं होते। तो ये दोनों पॉइंट हमारे सेम जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आ गया, वो क्लोज टू जीरो होती है पॉइजन में, इसमें क्लोज टू जीरो नहीं होती। ये भी बाय पैरामीट्रिक है, ये पैरामीटर्स हैं म्यू एंड पैरामीटर्स म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, या इसको हम पढ़ते हैं सिग्मा स्क्वायर। इसमें तो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है सॉल्व करने के लिए, तो इसका तो पैरिकल बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। वेरिएबल्स का एक्सपेंड वो दिया हुआ है, कंटिन्यूअस है,
मास फंक्शन ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है। इसकी ये लिमिट भी आपकी लिखी हुई होनी चाहिए साथ में। तो कई बार फॉर्मूला सही दिया होता है, लिमिट में गड़बड़ कर देते हैं, तो वो आप चेक कर लेना। इसमें मीन मीडियन मोड सिमेट्रिकल है तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, या हम कहेंगे कॉइंसाइड एट मैक्स इज इक्वल टू म्यू पर कॉइंसाइड होते हैं, सिमेट्रिकल होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा ये है, इसमें सारे पॉइंट ये जो है ये एग्जाम में आते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन डेविएशन अबाउट मीन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन अगर निकालना हो तो 0.8 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये एम्पेरिकल रूल है इसका। प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन का एरिया जब कवर होता है तो वो इतना कवर करता है ऑब्जर्वेशन को, टू आ जाता है तो इतना। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से कवर करने हैं। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन के कवर कर लेते हो, प्लस एक दो बेसिक क्वेश्चन बाइनोमियल पॉइजन के कर लेते हो, तो आपकी ये यूनिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ईजिली कवर हो जाती है। तो आपको पहले इन चीज़ों पे काम करना है। थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जितनी भी वेटेज है, 90% वेटेज हमारी इसी तीनों कंसेप्ट पे बेस्ड है। 10% वेटेज के लिए हमें थोड़े से पॉइजन और बाइनोमियल के क्वेश्चन करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ पर आपका स्टेट्स का पूरा कंसेप्ट जो चैप्टर वाइज कैसे पढ़ना है, क्या क्या हमें कवर करना है, किस पार्ट को हमें स्पेशली फोकस करके चलना है, मैंने आपको कवर कराने की कोशिश। तो आई होप आप ये सारा रिवाइज करोगे अच्छे से, और पेपर तो आपका अच्छा जाने ही वाला है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। और मुझे जो थम्स अप मार्क चाहिए आप लोगों से, वो तो अभी भी चाहिए, तो आई होप कि वो मुझे सब बच्चों से मिलने वाला है। बस फोकस्ड रहिए, अटेंटिव रहिए, अपनी कंसिस्टेंसी को इस टाइम स्पेशली मेंटेन करके चलिए, और एक फियर फैक्टर जो होता है ना वो दिमाग से निकाल दीजिए। एक चीज़ और बोलूँगी, कई बार बच्चे सोचते हैं कि पूरा पेपर एक बार में स्टडी कर लेते हैं फिर देखेंगे कितना आता है, पे ज़्यादा मत जाना भाई। एक बार पेपर को देखना ज़रूर, देखना भी चाहिए कि किस लेवल का है, लेकिन ये मत देखना कि सारे क्वेश्चन आप पढ़ लो फिर स्टार्ट करो। क्वेश्चन करते जाओ, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है उसे मार्क करते जाओ, कि डाउट है तो किस लेवल का डाउट है, किसमें आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो, किसमें आपको सिर्फ थोड़ा लिटिल बिट डाउट है, या क्या कोई क्वेश्चन तो बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, जिससे बाद में जब उस क्वेश्चन पे आए तो ईजिली हम उस हिसाब से उस पर टाइम डिवोट कर पाए या कंसिडर करें। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्टेट्स यहाँ पे कवर हो जाता है, और आप 40 में से आराम से इसमें स्कोर कर सकते हो, इसलिए मैंने स्टेट से स्टार्ट करवाई है आपकी रिवीजन। एक कैलकुलेटर की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगी कैलकुलेटर की ट्रिक्स भी आपको एक बार रिकॉल करवा पाऊँ, वो भी मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ पूरी हेल्प करती रहूँगी, तो उसके लिए डोंट वरी। बस आप अपनी प्रैक्टिस इंक्रीज 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 करते जाइए। अब थोड़ा सा टाइम बचा है तो आप फ्रूटफुली यूज़ करिए, और बेटर रिजल्ट के साथ क्लास में आइए। ठीक है, ओके, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आप लोगों की मैथ्स की तैयारी पूरी हो गई होगी, आई होप, नहीं मतलब श्योर हूँ मैं कि तैयारी पूरी कर ली होगी आपने। स्टेट्स की रिवीजन क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व हो गए हैं। तो अब हम आपके लिए लेके आए रिवीजन क्लास लॉजिकल रीजनिंग की। अगर मैथ्स के पेपर में हमें फुल कॉन्फिडेंस डालना है अपने अंदर या किसी भी स्टूडेंट्स के अंदर, तो बेटर है कि हम उसके पहले मार्क्स सेव करते जाएं। तो 40 मार्क्स आपके सेफ हो चुके हैं, और अगर हम लॉजिकल रीजनिंग के 20 मार्क्स सेव कर लेते हैं और 60 मार्क्स को सेव कर लेते हैं, इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मैथ्स भी आप आराम से इजीली बिना किसी टेंशन के, कंफ्यूजन के या फियर के कवर कर लोगे। लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन हम सबको पता है कि लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन हमारा 20 मार्क्स का है। इसकी वेटेज भी हम सब ने अच्छे से डिस्कस की हुई है। लॉजिकल रीजनिंग में हमारे 5 चैप्टर्स आते हैं, नंबर सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन एंड साइलॉलिज्म, जिसमें से फर्स्ट 3 चैप्टर्स हमारे 60-70% वेटेज रखते हैं, मतलब 12-14 मार्क्स हमारा इन 3 चैप्टर्स पर है, और 6-8 मार्क्स हम कह सकते हैं ब्लड रिलेशन और साइलॉलिज्म को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये तो हमारी हो गई चैप्टर वाइज वेटेज। अब लॉजिकल रीजनिंग का एक एक चैप्टर हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं, और इसमें मुझे जो लगता है कि किसी बच्चे को कोई डाउट भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में से मैं लॉजिकल हटा दूं और रीजनिंग को सॉल्व करती जाऊं और जो भी डाउट है उसको मैं सिर्फ इन पिन सेफ्टी पिन से कर रही हूं, तो नहीं। रिवीजन क्लास आपके लिए क्यों रखी गई है कि हमें 20 में से एक मार्क्स भी कम नहीं चाहिए, हम 20 out of 20 स्कोर करना चाहते हैं। इसलिए अगर कोई भी एक छोटा सा भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाना चाहिए।
या किसी बच्चे का किसी चैप्टर में होल्ड नहीं हो रहा है, उसको नहीं लग रहा कि मेरी पकड़ है इस चैप्टर में, या मैं इस चैप्टर में गड़बड़ कर सकता हूँ, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग भी है हमारे पास, तो उसको देख के हमारा थोड़ा फियर बढ़ जाता है। तो हमें वो टेंशन खत्म करनी है और परफेक्शन और श्योरिटी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए ये रिविजन क्लास है जिसमें आपको मैं चैप्टर वाइज कैसे तैयार करना है, किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन में हमें कन्फ्यूजन होता है, वो सब हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर से, नंबर सीरीज। अब किसी भी चैप्टर को करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो हर क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया और हर क्लास में आपको बताई है कि किसी भी चैप्टर को करने से पहले जरूरी है हमें उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्या क्या हमारे कोर्स में पैटर्न्स, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मुलेज, आइडेंटिटीज या जो भी ट्रिक्स हैं, सारी हमें क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद हम चैप्टर उठाएंगे तो फिर चैप्टर कहीं नहीं जाने वाला। अगर हम ये चाहें कि चैप्टर नंबर सीरीज इजी सा है तो मैं हम आराम से कर लेंगे, इसमें तो तुक्का भी मार सकते हैं और फिर चैप्टर को करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें ये सब बातें ध्यान में रख के ही चैप्टर को तैयार करना है, पहले उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या क्या हमें बातें पता होनी चाहिए, क्या ट्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्या शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी है, श्योरिटी भी ज़रूरी है, तभी मैं उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर पाऊंगी कि मेरा नेगेटिव मार्किंग का चांस भी खत्म हो गया, क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी पूछा जाए मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आराम से उसको अटेम्प्ट कर लूँ। ठीक है, तो पहले नंबर सीरीज के एक बार कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं, जो जो हमने क्लास में ऑलरेडी कर भी चुके हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम रिकॉल कर लेते हैं। नंबर सीरीज बहुत इजी, अपने आप में इजी चैप्टर है कि मैं भी मानती हूँ, लेकिन कई बार पैटर्न ऐसे होते हैं कि जो यूनिक नहीं होते या जो एकदम से हमें क्लिक नहीं कर पाते और हम उसमें टाइम लगा देते हैं, या फिर मुझे लगता है कि टाइम लगेगा तो छोड़ देते हैं। तो हमें अगर पैटर्न्स पता चल जाए, पहले से पता है कि क्या क्या पैटर्न जनरली पॉसिबल होते हैं, इससे अलावा हो सकते हैं लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं, और इतने पता होते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन हम इजीली बना लेते हैं, फिर कॉम्बिनेशन बनाने में कोई इशू नहीं आता कि ये होते हैं तो हो सकता है इनका कॉम्बिनेशन आया हो, तो वो अपने आप हमारा दिमाग चलने लग जाता है। तो पैटर्न्स अगर मैं पता लगा लेती हूँ और अपने माइंड में मैं रख लेती हूँ तो उन पैटर्न्स पे बेस पे मैं इजीली क्रैक कर जाऊंगी कि दो तीन टर्म्स में मुझे पैटर्न आइडेंटिफाई होने लग जाता है, पूरे सीरीज को भी देखने की जरूरत नहीं है, पैटर्न आइडेंटिफाई जब हो जाएगा तो मैं उसको सीरीज पे चेक कर लूंगी, तो बहुत कम टाइम लगता है और क्वेश्चन मेरा ठीक सॉल्व हो जाता है। अब पैटर्न क्या हो सकता है, हो सकता है कि मेरे पैटर्न में प्राइम नंबर का गैप चल रहा हो। गैप कैसे हो सकता है, प्राइम नंबर प्लस हो सकता है, प्राइम नंबर माइनस हो सकता है, प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है, प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन मुझे उसके लिए प्राइम नंबर तो पता होने चाहिए। तो ये मेरे प्राइम नंबर हो गए, प्राइम नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से ही डिवाइड होंगे, वो मेरे सारे क्या बन जाते हैं, प्राइम नंबर बन जाते हैं। हो सकता है हर टर्म का स्क्वेयर हो, स्क्वेयर करके अगेन प्लस माइनस डिवाइड कर रखा हो, हर टर्म का क्यूब हो, डिफरेंस ऑफ वैल्यू मैं चेक करती हूँ तो या तो वो इंक्रीजिंग पैटर्न पे हो सकती है, डिक्रीजिंग पैटर्न पे हो सकती है, मल्टीप्लिकेटिंग वैल्यूज के बेस पे हो सकती है, तो डिफरेंस वैल्यूज के बेस पे मेरी सीरीज बनी हो सकती है। अब डिफरेंस पे जैसे इतनी सारी टर्म्स तो मैंने बोल दी, इसमें एपी सीरीज भी हो सकती है, जीपी सीरीज। एपी सीरीज मतलब जिसमें हमारा डिफरेंस सेम रहेगा वो एपी सीरीज, जीपी सीरीज जिसमें हमारा रेशो सेम रहेगा वो मेरी जीपी सीरीज। ठीक है, दो सीरीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है कि मुझे टर्म्स दी हुई हैं, मेरी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ एक ही सीरीज का पार्ट है, सेकंड, फोर्थ, सिक्स, एट एक सीरीज का पार्ट है। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, फिर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे जिससे आपको इजीली कवर हो जाएगा। एडजेसेंट पैटर्न, इसको मैंने पहले भी इम्पॉर्टेंट बताया हुआ है और अभी भी बता रही हूँ, अब तो मैं इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताती हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक टाइप का पैटर्न होता है जिसे थोड़ा सा हमें माइंड में पैटर्न होगा तो हम इजीली क्रैक कर जाएंगे, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे इसमें जनरली ऐसे ही लिखा होता है 4-4 और उसके बाद एकदम से 5 का गैप आ गया तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्या पैटर्न चल रहा है, क्या बना है इसको, फिर यहाँ 5 यहाँ गैप था ही नहीं, यहाँ 5 का गैप था, यहाँ 20 का गैप था, तो हो क्या रहा है क्वेश्चन में।
तो ये एक एडजेसेंट पैटर्न होता है जिसमें क्या है, वन से मल्टीप्लाई करा जीरो ऐड किया, वन से मल्टीप्लाई किया, टू से मल्टीप्लाई किया वन ऐड किया, थ्री से मल्टीप्लाई किया टू ऐड किया, तो एक पैटर्न है। इनके बेस पे कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर प्लस कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो फिर प्लस कर रहे हो, मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड माइनस, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स हमने बना दिया। अब मल्टीप्लाई में स्क्वायर भी हो सकता है, माइनस में, माइनस प्लस में प्राइम नंबर भी हो सकता है, तो ये कॉम्बिनेशंस बन गए इन सीरीज के। इसके अलावा क्या हो सकता है, प्रीवियस नंबर के बेस पे प्लस टू मल्टीप्लाई टू, प्लस टू मल्टीप्लाई टू, ये भी हो सकता था, प्लस टू डिवाइड बाय टू, कुछ भी हो सकता है। तो हमें पैटर्न्स पता लगाने पड़ते हैं कि क्या पैटर्न है। इतने पैटर्न आप सोचो कि आपके माइंड में 8-10 पैटर्न आपको पता है, तो क्या पैटर्न और क्या बनने वाला है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन को घुला मिला के कुछ नया बना देंगे तो हम आराम से उसको क्रैक कर पाएंगे। पहले जरूरी है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, उससे रिलेटेड क्या क्या बातें मुझे पता होनी चाहिए, ट्रिक्स मुझे पता होनी चाहिए, इन सबको अपने माइंड में अच्छे से क्लियर करना, उसके बाद हम उस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। अब फाइनल रिवीजन के टाइम क्वेश्चन आता है कि मैम इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो हम कैसे रिवाइज करें। तो बेस्ट मेथड यही होता है कि आप हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मुलेज, आइडेंटिटीज, ट्रिक्स, ये सब अच्छे से रिवाइज करो लास्ट मोमेंट पे। ये सब करने के बाद जैसे आपने एक सेक्शन LR उठाया, LR में 5 चैप्टर हैं, पांचों चैप्टर के आपको एक साथ रिवाइज करनी है ये सारी चीजें। अब ये टाइम नहीं है कि एक चैप्टर की रिवाइज करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरे चैप्टर, तो ये नहीं। अब हमें चाहिए, हमारे माइंड में खिचड़ी भी बन जाती है तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, उस सेक्शन का से रिलेटेड टर्म्स मेरे माइंड में अच्छे से मैं निकाल पाऊँ उस ब्लॉक में से जो मैंने सारा पढ़ के अपने दिमाग में स्टोर किया है। तो इस चीज के लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है, ठीक है। इसी चैप्टर में एक पार्ट है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट या ऑड वन आउट, कि आपको एक सीरीज दी हुई है और आप वो बता रहे हैं इसमें से कौन सा टर्म ऐसा है जो फिट ही नहीं होता, वो बता दो। जैसे यहाँ पे क्या था, ये स्क्वायर दिया हुआ था, ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, लेकिन बीच में क्यूब दे दिया, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया, ये मेरी सीरीज में फिट नहीं हो रहा। स्क्वायर की सीरीज में क्यूब का क्या काम, ऐसे ये था, ये प्लस टू था, ये प्लस थ्री था, ये प्लस फोर था, ये प्लस फाइव था, तो यहाँ पे प्लस थ्री अगर करते हैं तो प्लस थ्री करते हैं तो सिक्स आता है, तो फाइव तो बीच में वैसे ही बैठा हुआ है, फाइव का तो काम ही कुछ नहीं है, फाइव आ ही कहाँ रहा है, फाइव तो अननेसेसरीली बीच में डाला हुआ है, तो मेरा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, फाइव। ऑड वन आउट सीरीज पर ही बेस्ड होता है जिसमें हमें सीरीज के पैटर्न को फाइंड आउट करना है, उस पैटर्न पे देखना है कौन सा नंबर बीच में ऐसा है जो सीरीज के पैटर्न में अननेसेसरी डाला हुआ है, जिसकी जरूरत ही नहीं है, या उसकी वैल्यू वो नहीं होनी चाहिए थी, कुछ और होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर सपोज ये नहीं होता, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर ये होता ही नहीं, और यहाँ पर मुझे, चलो मैं लिखती हूँ, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं 1, 4, 9, 15, 25, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया। अब मुझे इसमें से ऑड वन आउट बनाना है, सी पार्ट में लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो भाई ये 4 का स्क्वायर तो है ही नहीं, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, इसका मतलब मेरा ऑड वन आउट क्या हो गया, 15। ये नहीं है कि अननेसेसरी नंबर हो, कई बार गलत नंबर भी बीच में दिया हुआ है तो उसको भी हम ऑड वन आउट बोलते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन है, 15 नहीं होना चाहिए था, 16 होना चाहिए, ठीक है। अब आता है इस चैप्टर का थर्ड सेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग। अभी मैं इस सब के क्वेश्चन करवाऊंगी, जैसे मैं पहले आपको भी बोल रही हूँ कि हमें कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं हर चैप्टर के, हर टॉपिक के, उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। अब वो टाइम नहीं है एक टॉपिक उठाया मैं चाह रही हूँ उसके क्वेश्चन कर लूँ, उससे क्या हम फाइनल एग्जाम डेट तक इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे कि सारा सिलेबस मेरे माइंड में एक साथ स्टोर है। मैं अगर इस स्ट्रेटेजी को अभी भी ऑप्ट नहीं करूंगी तो उस टाइम मुझे जाके लास्ट मोमेंट पे अगर मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की कि एग्जाम वाले डे मैं सुबह सुबह सारे कंसेप्ट एक साथ रिवाइज करने बैठी भी हूँ और अभी तक इससे पहले मैंने कभी भी नहीं किए, तो कुछ कन्फ्यूजन, कुछ मिक्सिंग पॉसिबल है। तो हमें इस चीज़ के लिए अब तैयारी कर लेनी है कि सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एक साथ होने चाहिए, और कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर माइंड में सोच रही हूँ कि मुझे, चलो डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन करना है तो नॉर्थ कहाँ था, ईस्ट कहाँ था, मुझे अच्छे से क्लियर है क्योंकि मैंने सारा रखा हुआ है अपना रिवाइज करके। प्रैक्टिस तो हम बहुत कर चुके हैं, रिवीजन भी बहुत कर चुके हैं,
लेकिन एक ग्रुप रिवीजन या एक लमसम रिवीजन जिसमें हमारा सारा कंटेंट है, जैसे एक बुक हमें मिल जाती है, सीए मॉड्यूल हमें एक बुक दे देता है, पूरा कंटेंट कवर करके देता है, इस बुक को कर लो भाई, आपका सिलेबस कवर हो गया। ऐसे हमारे माइंड में एक बुक होनी चाहिए जिसमें सारा सिलेबस कवर है, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हैं, सिर्फ मुझे अपने मतलब का सेक्शन निकालना है और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दे। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि मुझे एक अल्फाबेट या एक टर्म दी हुई है कि इस टर्म को ये चीज रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैं कहती हूँ राम को मैंने लिखा SBN, तो R के बाद S आता है, A के बाद B आता है, M के बाद N आता है, मतलब नेक्स्ट अल्फाबेट मैंने यूज किया है कोड बनाने के लिए। मुझे शाम का लिखना होगा तो क्या लिखूंगी, S के बाद T, H के बाद I, Y के बाद Z, A के बाद B, M के बाद N, नेक्स्ट अल्फाबेट मैंने लिख दिया। अब मेरे को अगर लिखना हो इसका, लिखते हैं जय का, जय का मुझे कोड लिखना है, तो जे के बाद क्या आता है, ABCD तो आती है ना, जे के बाद के, ए के बाद बी, आई के बाद जे, ये इसका कोड बन गया। तो नेक्स्ट अल्फाबेट मुझे यूज करना है कोड बनाने के लिए। अब हर क्वेश्चन इतना इजी नहीं हो सकता, ये तो बहुत इजी सा एग्जांपल था, लेकिन हम इतना इजी क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करते ही नहीं है, हमारा भी कुछ लेवल है भाई, क्वेश्चन अच्छा आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे 3 टर्म्स का गैप होता, 4 का गैप होता, तो मुझे सारे अल्फाबेट्स का प्लेस नंबर पता होना चाहिए। अब एक तरीका तो ये है, मैं पूरी ABCD लिखूं और 26 नंबर बनाऊं, फिर उनको ढूंढूं फोर्थ प्लेस पे क्या आ रहा है, फिफ्थ प्लेस पे क्या आ रहा है। या इसके लिए हमने क्या किया था, एक टर्म याद की थी इजोटी, इजोटी से हमें क्या पता चल गया, फिफ्थ प्लेस पे ई आता है, 10th प्लेस पे जे, 15 पे ओ, 20 पे टी और 25 पे वाई। अब अगर मुझे 7th प्लेस का अल्फाबेट चाहिए तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ई एफ जी, जी मेरा 7th प्लेस का अल्फाबेट है, मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है। तो इजोटी से मैजिकल काम हो जाता है हमारा और हमें अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो हम अच्छे से पहले भी कर चुके हैं और अभी भी हमने रिवाइज कर लिए, इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो जो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंट है, या इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं, वो मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन कुछ क्लास में करा देती हूँ। चलिए, क्वेश्चन करते टाइम मैंने आपको शॉर्टकट पे करने बताए थे, तो सारे क्वेश्चन हमने बुक में ही कर लिए थे और विद इन अ हाफ आवर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, कौन सा करते हैं? हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 29, क्वेश्चन नंबर ले रही हूं मैं 29, 29 क्वेश्चन है हमारा। टू सेवन ट्वेंटी सेवन वन जीरो सेवन फोर टू सेवन। अब कैसे शुरुआत कैसे करनी है इस क्वेश्चन को करने की वो देखना है। डिफरेंस पे मैं नहीं जा रही क्योंकि डिफरेंस तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो डिफरेंस पे मैं नहीं जा रही। मल्टीप्लाई पे मैं जाती हूँ तो मुझे पता चल रहा है ये स्क्वायर क्यूब तो है ही नहीं। मल्टीप्लाई पे मैं जाती हूँ तो यहाँ पे भाई 2 4 8 होना चाहिए, एक कम है, 2 4 8 होना चाहिए, एक कम है, 7 4 28 होता है उसमें से भी एक कम है, 27 3 कितना होता है, 27 4 108 27 4 108 होता है उसमें से भी एक कम है, तो मतलब एक एक कम चल रहा है मेरा। तो अगर मैं यहाँ पर -1 -1 कर दूँ फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीरीज बन गई, तो इसका मतलब अगला नंबर क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 4 -1, तो 4 2 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 कर देते हैं, तो 1 7 0 7 मेरा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, 1 7 0 7 मेरा क्या आंसर आ जाता है, ऑप्शन ए। तो हमें पैटर्न्स पता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस ये कॉम्बिनेशन चलते हैं, तो हमने उस कॉम्बिनेशन के बेस पे क्वेश्चन कर दिया। ये तो मैंने लिया सीरीज का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, रमन,
रमन को डीकोड करना है हमें, इन्होंने रमन का कोड दिया है 12325। अब मुझे दिनेश का कोड बनाना है, दिनेश का भी कोड दिया हुआ है 675489। अब ये बता रहे हैं, ये बताओ हमाम को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये क्वेश्चन है आपका। हाँ 32। अब ये हमसे पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब इसमें तो दो जब हमें कोड दे दिए तो हमें क्या देखना है, H की वैल्यू, A की वैल्यू और M की वैल्यू, तीन अल्फाबेट की वैल्यू मिल जाए तो मेरे लिए क्वेश्चन में करने के लिए कुछ है ही नहीं। अब H की वैल्यू ढूंढो, H क्या है और H की प्लेस वैल्यू क्या दी हुई है 9। फिर मुझे A चाहिए, A यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों जगह 2 लिखा हुआ है तो A की वैल्यू 2। फिर चाहिए मुझे M की वैल्यू, M मुझे यहाँ मिल रहा है और M की वैल्यू है 3। ठीक है, एच एम की वैल्यू निकाल ली, यहाँ डाल दो, एच की जगह 9, ए की जगह 2, एम की जगह 3, फिर ए की जगह 2, एम की जगह 3। ठीक है, ये हमारा हमाम का कोड बन गया और इसमें ऑप्शन जाता है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें हमें अल्फाबेट्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर एक चीज रिप्रेजेंट कर रही होती तो हमें उसका बनाना पड़ता या इसके अल्फाबेट यहाँ फिट नहीं होते तो मुझे ढूंढना पड़ता, यहाँ पे कोई यूनिक अल्फाबेट आ जाता जैसे जे आ जाता जिसका मुझे नंबर ही नहीं पता तो मुझे कोड में कन्वर्ट करना पड़ता, इजॉर्टी को यूज करना पड़ता। अब इजॉर्टी को यूज करने की इसमें कोई जरूरत नहीं। और क्वेश्चंस देखते हैं, अब जैसे इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन है एक, पेल के लिए कोड दिया हुआ है 2134, अर्थ के लिए दिया हुआ है 41590। ठीक है, पर्ल के लिए कोड बनाना है, अब पी भी इसमें है, ई भी है, ए भी है, आर भी है, एल भी है, सारे अल्फाबेट है तो सेम बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो डिफरेंट टाइप के होते हैं हमारे। 42 क्वेश्चन में गोल्ड वर्ड को हम IQNF लिख रहे हैं तो विंड को हम कैसे लिखेंगे, मतलब अब मुझे कोड में को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि क्या पैटर्न है, क्या गैप फॉलो किया है तो उसी गैप को मैं फॉलो करूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42, गोल्ड को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है IQNF। अब आपको विंड को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब मैं जी से एच आई पे जाती हूँ तो मैंने क्या किया है, एच को स्किप किया है, आई लिख लिया मतलब प्लस टू। ओ से क्यू पे जाती हूँ तो ओ पी क्यू प्लस टू है, एल एम एन प्लस टू है, पी एफ प्लस टू है, मतलब मुझे यहाँ पे सिर्फ प्लस टू अल्फाबेट करके करना है, डब्ल्यू एक्स वाई आई जे के एन ओ पी डी ई एफ, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वाई के पी एफ। इसमें आंसर्स में प्रिंटिंग एरर था तो मैंने करेक्ट भी करवा दिया था, अगर हम करेक्ट कर लेते हैं तो ऑप्शन मेरा क्या जाता है, ए। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये सारी बातें। इस चैप्टर को हमने वैसे भी बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से किया था तो कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। एक ये क्वेश्चन देखो जो हमारे एग्जाम में आता भी है, हमें ये अल्फाबेटिकली नहीं दिए हुए, अपनी मतलब से मर्जी से इन्होंने कोड बना दिए कि सी का मतलब कोड डिजिट 8 है, जेड का मतलब 6 है, मतलब ए बी सी डी के 26 अल्फाबेट्स की जो सीक्वेंस होती है वहाँ, यहाँ पर हमें ये फॉलो नहीं करनी, जो गिवन है वो फॉलो करनी है। अब अगर मुझे दिया हो जे डी आर सी वी एफ तो जे डी आर सी वी एफ में सिर्फ जेड की जगह मैंने 6 डाल दिया, डी की जगह 1 डाल दिया, तो इस तरह से इसको सिर्फ कन्वर्ट करना है और कुछ भी नहीं है, इतना ईजी क्वेश्चन है। आपको अल्फाबेट से को उनके कोड डिजिट से रिप्लेस कर देना है और कुछ भी नहीं करना। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 49, जो अच्छा क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 49, आप भी अपनी बुक खोल लो और एक बार देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 49,
क्वेश्चन नंबर 49। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्यों सिलेक्ट किया ये बताती हूँ आपको। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किया है आपके साथ डिस्कस करने के लिए। पालम का कोड 43 दिया हुआ है और सेंटा क्रूज का कोड आपको बताना है। पालम का कोड आपको 43 दिया हुआ है और सेंटा क्रूज का कोड आपको बताना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर पालम का कोड अल्फाबेटिकली होता तो कितने डिजिट होने चाहिए थे? 1, 2, 3, 4, 5 तो मिनिमम होने चाहिए थे। अगर ये टेंस के आगे आ जाएगा तो ज्यादा ही हो जाते। अभी भी 5 तो मिनिमम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट का नंबर दे दिया, तो क्या हुआ? अब इस क्वेश्चन में क्या मैजिक हो रहा है वो सोचना है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, अपने इजोटी को यूज करके इनकी प्लेस वैल्यू निकालती हूँ। इजोटी को यूज करके इनकी प्लेस वैल्यू निकालती हूँ, ठीक है। अब आप बताओ पी की प्लेस वैल्यू क्या है? ये क्या था? 5, 10, 15, 20, 25। ओ के बाद पी आता है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है तो पी की क्या हो जाएगी? 16 की। ए की तो 1 होती है, एल ओ की 15 है, एल एम एन ओ। यहाँ पे एल एम एन ओ 15 से 14, 13, 12, तो इसकी क्या हो गई? 12। ए की अगेन 1, एम की 15, 14, 13, ये प्लेस वैल्यू है। इनको मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगी तो भी बहुत बड़ा नंबर बनेगा, सब्ट्रैक्ट करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, माइनस में बन जाएगा। तो मैं इनको क्या करती हूँ, प्लस करके देखती हूँ। अब जैसे ही मैं इन्हें प्लस करके चेक करूंगी तो मुझे क्या नंबर मिल रहा है? 16 प्लस 1 17, 17 एंड 12 29, 30 एंड 43। तो मुझे नंबर मिल गया 43। मतलब मुझे ये पता चल गया पालम का कोड कैसे बना, उनके प्लेस वैल्यूज को टोटल कर दिया तो पालम का कोड बन गया। अब सेम बेस पे मुझे सेंटा क्रूज निकालना है, सेम बेस पे मुझे सेंटा क्रूज निकालना है। ठीक है, अब एस की प्लेस वैल्यू टी के पहले आता है, टी की प्लेस वैल्यू 20 है तो एस की क्या हो जाएगी? 19। ए की 1, एन की हम निकालते हैं 15 थी तो 14 आ जाएगी। टी की 20 हमें पता है, ए की हमें 1 पता है, सी की 3 हो गई, एस की 19 है तो आर की कितनी होगी? 18 होगी। टी की 20 है तो यू की 21, जे की 10। इन सब वैल्यूज को आप प्लस करो तो आपको कोड मिलने वाला है सेंटा क्रूज का। इन सब वैल्यूज को प्लस कर दोगे, उनकी प्लेस वैल्यूज को प्लस कर दोगे तो आपको सेंटा क्रूज का कोड मिल जाएगा, और सेंटा क्रूज का कोड आ जाता है आपका 123, मींस ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन हमारा यूनिक क्वेश्चन था, जो पैटर्न हमें कोडिंग के टाइम पता होना चाहिए। एक पैटर्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ये आ गया, एक प्लेस वैल्यूज को कितना इंक्रीज डिक्रीज जा रही है हमने ये देख लिया। सेकेंड में कोड इस फॉर्म में भी हो सकता है कि सारे प्लेस वैल्यूज को प्लस करके, कोई छोटी छोटी वैल्यूज होती तो मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता था, ठीक है। इसके बेस पे हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक यूनिक पैटर्न का क्वेश्चन है और है, क्वेश्चन 59, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। क्वेश्चन 59, क्वेश्चन 59 पहले लिख लेते हैं। और जब इसमें मिसिंग वैल्यू नहीं दे रखी, इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका है? ऑड मैन आउट, ऑड वन आउट का। 8, 3, 5, 7, 3, 6, 4, 5, 1, 9, 8, 5, 3, 2, मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। अब इसमें पैटर्न चेक करते हैं। अगर मैं इनका डिफरेंस चेक कर रही हूं
तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पर तो डिफरेंस 99 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 99 का नहीं आ रहा। मतलब डिफरेंस वाला पैटर्न तो छोड़ दो, अब डिफरेंस वाला पैटर्न नहीं है तो क्या पैटर्न होता है? मल्टीप्लाई डिवाइड तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि इतनी क्लोजेस्ट वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड तो दिख ही नहीं रहा। अब मैं क्या चेक करूँ? अब मैंने प्राइम नंबर भी इसमें देख लिया, वो भी नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ तो मेरा इवन नंबर डिफरेंस में आ रहा है तो प्राइम नंबर भी नहीं आ रहा। यहाँ 99 था, यहाँ ये था, तो इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, तीनों कंसेप्ट मेरे ख़त्म। ठीक है, अब मैं क्या ढूंढ सकती हूँ? अब मुझे क्या दिख रहा है इसमें कि जब मैंने 8 की बात की तो 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 5, इन दोनों को प्लस कर रही हूँ तो ये नंबर बन रहा है। 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 1, होता है क्या? नहीं। बाकी चेक कर लेते हैं पहले। तो ये वैल्यू ही मेरी गलत है, यहाँ पर क्या 651 होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 751 दे दिया, तो ऑड वन आउट मेरा क्या दिख रहा है? 751, और आंसर हो गया मेरा 751। ठीक है, यहाँ पर हमारे नंबर सीरीज के चैप्टर के जितने भी पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न है, कॉन्सेप्ट के बेस पे तो सारे हो गए, फिर भी जो डिफरेंट पैटर्न्स थे कुछ, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि अगर आप ये सब भी माइंड में रखोगे कि हाँ ये तरीका भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम उस टाइम क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं हम डायरेक्शन टेस्ट का। नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं हम डायरेक्शन टेस्ट का। डायरेक्शन टेस्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था? डायरेक्शन टेस्ट के लिए भी हमने वही किया था कि आपको डायरेक्शन को लेके जितने कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये हमने कंपास बनाया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट का इंटरसेक्टिंग क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट का साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये एंगल हमारे, इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा कंपस बन गया। इस कंपस में एक और इशू आता है, चलो इस इशू की बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक तो डायरेक्शन बनानी है कि वो पर्सन कहाँ से कहाँ मुड़ गया, कहाँ गया और अल्टीमेटली कहाँ खड़ा है, ये हमारे क्वेश्चन हो गए। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि वो पर्सन अपने इनिशियल पॉइंट, मतलब जहाँ उससे उसने शुरू किया था, वहाँ से जब वो एंड पॉइंट पे, अपनी डेस्टिनेशन पर, अपने टर्मिनल पॉइंट पे पहुँच गया, तो वो कितना दूर है अपने इनिशियल पॉइंट से, अपने बिगिनिंग वाले पॉइंट से, जहाँ वो अभी खड़ा है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। एक तो वो चीज़ की कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, दोनों में फ़र्क है। अगर मैं ये कहती हूँ कि पहले मैं 3 किलोमीटर चली और फिर मैं 4 किलोमीटर चली, तो टोटल मैं आज कितना चली? 7 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया? 7 किलोमीटर। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट भी 7 होने वाला है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट 7 नहीं है। जैसे कि डायग्राम है, इसमें ए पहले 4 किलोमीटर चला इनिशियल पॉइंट से, फिर वो 3 किलोमीटर चला, यहाँ पर एंड पॉइंट पे पहुँच गया। तो ए से लेकर सी तक का हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ए से वो सी पे पहुंच गया, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। और इसको मैं कैसे निकालूंगी? पाइथागोरस थ्योरम से। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जब मैं इससे निकालती हूँ तो ये लेंथ मेरी आ जाती है 5, ये लेंथ आ जाती है मेरी 5। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 5 किलोमीटर का है और टोटल डिस्टेंस 4 प्लस 3 7 किलोमीटर का है। तो दोनों में फर्क है, ये ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है और डिस्टेंस अलग चीज है। अगर मैं सपोज गोल चक्कर गोल चक्कर गोल चक्कर ही घूमे जा रही हूँ, तो भाई पेट्रोल तो लग रहा है और मेरी गाड़ी भी चल रही है, डिस्टेंस कवर हो रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है, क्योंकि मैं वहीं पर घूमे जा रही हूँ और वहीं की वहीं खड़ी हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये फर्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है कि डायरेक्शन पता चल गई, चलो हमें डायरेक्शन क्लियर है,
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब क्लियर है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि वो बंदा अगर राइट मुड़ रहा है, यहाँ खड़ा है राइट मुड़ रहा है तो इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा, इसमें कंफ्यूजन है। ये कंपास पता है लेकिन अब उसे नॉर्थ राइट लेफ्ट, नॉर्थ पे खड़े होकर लेफ्ट राइट मुड़ना है, इस तरह से उसे चलना है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि इस डायरेक्शन में मोड़ें या इस डायरेक्शन में मोड़ें। वेस्ट की तरफ लिखा होगा तब तो क्लियर है इधर मोड़ दूंगी, लेकिन लेफ्ट राइट दे देंगे तब कहाँ चलाऊंगी, ये कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले कंपास बना लेती हूँ मैं छोटा सा। ठीक है, अब राइट लेफ्ट में लिख के आपको कह सकती हूँ कि याद कर लो भाई, तो ये काम तो हमने करा ही नहीं है, याद करने वाला लॉजिकल चैप्टर है, लॉजिकल ही करना है। अब मुझे क्या करना है, वॉच सबको पता है क्लॉकवाइज वॉच कैसे चलती है, वॉच का पैटर्न मुझे पता है कि क्लॉकवाइज क्या होता है, तो मैं क्लॉकवाइज देखूंगी। ठीक है, क्लॉकवाइज चलाऊंगी, क्लॉकवाइज वो इधर चलेगा तो ये उसकी राइट डायरेक्शन और ये लेफ्ट डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज इधर चलना चाहिए तो ये इसकी राइट डायरेक्शन, ये इसकी लेफ्ट डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज इधर चलेगा तो ये राइट डायरेक्शन, ये लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये क्लॉकवाइज इधर चलेगा तो ये राइट डायरेक्शन, ये लेफ्ट डायरेक्शन। इस तरह से आप राइट लेफ्ट के कॉन्सेप्ट को इजीली कर सकते हो अप्लाई। कंपास बनाओ छोटा सा रफ में, आराम से लिखो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, कैसे गलत हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्लियर कि कैसे आपको लेफ्ट राइट डायरेक्शन देखनी है। वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट लिखा होता तो आपको क्लियर था, वेस्ट होगा तो इधर मोड़ दूंगी, ईस्ट लिखा होगा तो इधर मोड़ दूंगी, लेकिन राइट लेफ्ट लिखा होगा तब कैसे करूंगी, तो वो चीज भी हमें क्लियर हो गई। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरे पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट पे काम करो। ठीक है, लास्ट टाइम वैसे भी हमारा इसी चीज के लिए होता है, प्रैक्टिस बहुत कर ली, लास्ट टाइम में कॉन्सेप्ट पर काम करो और थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स भी करो, कई बार ओवर बर्डन भी हमें कंफ्यूज कर देता है, तो कॉन्सेप्ट जितना भी टाइम आप डिवोट कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट्स पे काम करो, प्लस जिस चैप्टर में आपको लगता है नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस या मुझे भी और प्रैक्टिस चाहिए, उसको जरूर टाइम देना चाहिए, अदरवाइज आपका टाइम कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए। ठीक है, नीट है तो उस कॉन्सेप्ट को करने के बाद दो चार क्वेश्चन जैसे मैं बता रही हूँ रेंडमली हम खोलते हैं, देखते हैं डिफरेंट पैटर्न के हैं, वो हम कर लेते हैं, तो आराम से हमारा कोर्स भी कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्शन टेंस के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। डायरेक्शन सेंस के कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन में मोहन ने स्टार्ट किया है पॉइंट ए से, 1 किलोमीटर मूव कर रहा है साउथ की तरफ, देन टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट आ गया, यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन थी अब खत्म हो चुकी है, एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, नाउ ही इज फेसिंग, किस तरफ वो फेस कर रहा है ये हमें बताना है, किस तरफ वो फेस कर रहा है ये हमें बताना है अपने क्वेश्चन में। को बनाते हैं, ये मोहन है, मोहन ने स्टार्ट किया टूवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ चला वो 1 किलोमीटर। ठीक है, साउथ की तरफ चलने के बाद उसने क्या किया, देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ गया, साउथ का लेफ्ट कौन सा था, ये वाला था, लेफ्ट हो गया और कितना चला 1 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन,
अब वो ऐसे चल रहा है तो इसका लेफ्ट क्या इधर की तरफ है। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। नाउ ही इज फेसिंग, कौन सी साइड पे है ये, यहाँ पर कौन सी साइड होती है हमारी, नॉर्थ। तो कौन सी साइड पे मूव कर फेस कर रहा है वो, नॉर्थ पे। ऑप्शन कौन सी गई, सी। ठीक है, एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी किसी भी वजह से डायरेक्शन सेंस की क्लास मिस हो गई थी, तो उनके लिए हम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं तो उनको और भी बेटर क्लियर हो जाएगा। वैसे क्लास देख के क्लियर हो गया होगा काफी हद तक, फिर भी इस क्लास में और भी अगर कुछ डाउट थोड़ा सा भी रहता है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हम और एक दो ले लेते हैं। अब मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में 5 बॉयज हैं, ए बी सी ई एफ ई। ठीक है, इन्हें एक पार्क में सर्कल में बैठे हुए हैं पार्क में। इन सब की हमें डायरेक्शन दे रखी है कि कौन कहाँ कहाँ बैठा है, किसके बीच में कौन सा पर्सन है, सब दे रखा है। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग, तो एक बार क्वेश्चन रीड आउट करो पहले। ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, ई इज फेसिंग साउथ ईस्ट, बी एंड ई आर अपोजिट A and D respectively and C is equidistant between D and B. Which direction is C facing? कौन सी डायरेक्शन पे C का फेस है? तो पहले मैं क्या करती हूँ, एक सर्कल बनाती हूँ क्योंकि वो सर्कल में बैठे हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बना लिया, लेकिन डायरेक्शन के बिना मेरा काम नहीं चलने वाला भाई। ये मैंने अपनी डायरेक्शन बना ली, के बिना तो काम चली। अब हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट तो इधर है इसके बीच में, यहां पर हमने साउथ वेस्ट में ए को बिठा दिया, ए को हमने साउथ वेस्ट में बिठा दिया। के बाद हमें बताया हुआ है डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, तो ये मेरा साउथ ईस्ट है, तो यहां पर हमने डी को बिठा दिया। बी एंड ई आर राइट अपोजिट ए एंड डी, एक इसके अपोजिट बैठा हुआ है और एक इसके अपोजिट बैठा हुआ है। बी है ए के अपोजिट, और को तो मैं मिक्स ना हो जाए इसलिए हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ई हमारा सबसे ज्यादा मिक्स होने, डी के अपोजिट बैठा हुआ है ई। उसके बाद सी इज इक्विडिस्टेंट बिटवीन डी एंड बी, डी और बी से इक्विडिस्टेंट है, मतलब क्या हो, कहाँ होना चाहिए सी को, सी को यहाँ होना चाहिए भाई, इक्विडिस्टेंट का पॉइंट यही है, सी को यहाँ होना चाहिए। अगर सी यहाँ पर है तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, तो मेरा आंसर क्या हो गया, डी। तो डायरेक्शन क्लियर होते ही आपको क्वेश्चन में कुछ क्लियर ही नहीं है, तो जो भी मेहनत मेरी होने वाली है ना वो इस कंपस पे होने वाली है। इस कंसेप्ट को मैं अच्छे से क्लियर कर लेती हूँ और एक डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर कर लेती हूँ तो चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई डिफरेंट क्वेश्चन।
एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हमें कई बार लगता है कि गड़बड़ होने के चांस हैं या हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को मैं ले रही हूँ क्लास में। इसमें क्या है कि वो बच्चा उल्टा ही खड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24। इफ ए स्टैंड्स ऑन हिज हेड विद हिज फेस टूवर्ड्स नॉर्थ, ए सिर के बल खड़ा हुआ है और उसका फेस हमारा टूवर्ड्स नॉर्थ है, इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट, कौन सी डायरेक्शन में उसका लेफ्ट हैंड पॉइंट है, ये मेरा क्वेश्चन है। कौन सी डायरेक्शन में उसका लेफ्ट हैंड पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखो आप इस क्वेश्चन को, 24th क्वेश्चन है आपकी बुक का, ये 24th क्वेश्चन एक बार अगेन रीड आउट कर लो। अगर मैं उसको ए को सीधा खड़ा कर देती, ए को मैं सीधा खड़ा कर रही हूँ, ये ठीक है, मैंने सीधा खड़ा करा है ए को, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका राइट हैंड, ये इसका लेफ्ट हैंड, और ये हमें पता है कि इस साइड हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है और इस साइड हमारी वेस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है। लेकिन वो सीधा नहीं खड़ा भाई, वो क्या उल्टा खड़ा हुआ है, फेसिंग नॉर्थ हमें दिया हुआ है कि नॉर्थ की तरफ फेस है, लेकिन वो क्या है उल्टा खड़ा हुआ है। अब ये इसका मतलब साउथ की तरफ ऐसे करके खड़ा हुआ है और उसका फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। अब मेरा राइट इधर था लेफ्ट इधर था, लेकिन जब ये उल्टा खड़ा हो जाएगा तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा, और अगर मैं डायरेक्शन बना देती हूँ तो ये डायरेक्शन मेरी कौन सी है, ईस्ट है, और लेफ्ट हैंड किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ईस्ट की तरफ, तो मेरा आंसर क्या होने वाला है, मेरा आंसर क्या होने वाला है, ईस्ट। फेसिंग नॉर्थ खड़ा होगा तो फेस साउथ, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर डायरेक्शन टेस्ट का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है मेन। अब आपको पता चल गया इस चैप्टर में जो भी हमें है सारा कंसेप्ट में ही है। इस कंसेप्ट को, कंपस को अगर मैं अच्छे से समझ लेती हूँ, इस पे आधा घंटा लगा देती हूँ, तो मुझे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने, ठीक है। डायरेक्शन सेंस के बाद हमारा चैप्टर आता है सीटिंग अरेंजमेंट का, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट के भी हमारे कंसेप्ट थे एग्जैक्टली राइट एग्जैक्टली लेफ्ट, सारी चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तो हमें इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर सिटिंग अरेंजमेंट के कंसेप्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं।
सीटिंग अरेंजमेंट में तीन टाइप के कॉन्सेप्ट्स पॉसिबल हैं, लीनियर, सर्कुलर और पॉलीगन। तो हमारे कोर्स में सिर्फ लीनियर और सर्कुलर हैं, पॉलीगन हमारे कोर्स में नहीं है। लीनियर अरेंजमेंट की जब हम बात करते हैं, लीनियर मतलब एक लाइन में, तो एक होता है फेस डायरेक्शन और एक होता है टू रो सीक्वेंस। फेस डायरेक्शन के फॉर्म में सब चीज़ें इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, या वो लोग टेबल जैसे होती है हमारी रेक्टेंगुलर टेबल, दो रोज में बैठे हुए होंगे, तो दो तरह से हम इंफॉर्मेशन दी हुई हो सकती है। दोनों में ही लाइन अरेंजमेंट चल रहा है तो दोनों ही लीनियर अरेंजमेंट के पार्ट है। इंफॉर्मेशन किस हिसाब से दी हुई है उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को आगे मूव कर। फेस डायरेक्शन फॉर्म में दी हुई है और टू रो सीक्वेंस की फॉर्म। अगर फेस डायरेक्शन में मुझे गिवन है कि डायरेक्शन कौन सी है तो हम उसके हिसाब से चलेंगे, और अगर नहीं दी हुई तो हम फेसिंग नॉर्थ लेके चलेंगे। अगर गिवन नहीं है तो फेसिंग नॉर्थ, और गिवन एज टूवर्ड्स अस मतलब हमें दी हुई हमारी तरफ है, इस तरह से इंफॉर्मेशन दी हुई है, या नॉर्थ की तरफ। कुछ नहीं दी हुई तो हम नॉर्थ अज्यूम कर लें। जब हम नॉर्थ अज्यूम करते हैं और क्लॉकवाइज चलते हैं तो राइट डायरेक्शन मेरी ये हो जाती है और लेफ्ट डायरेक्शन मेरी ये हो जाती है। राइट डायरेक्शन मेरी ये हो जाएगी जब हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये मेरी राइट डायरेक्शन और ये मेरी लेफ्ट डायरेक्शन, मतलब जिस साइड आपका राइट हैंड है वो राइट डायरेक्शन, जिस साइड आपका लेफ्ट हैंड है वो आपकी लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये लॉजिक आपको लगाना है। जैसे मुझे दिया हुआ है बी सी डी ई एफ जी एच आर ऑन द राइट साइड ऑफ ए, तो मैंने सबको राइट साइड पे बिठा दिया। क्या दिया होता, सी डी ई एफ जी एच आर ऑन द राइट साइड ऑफ बी एंड बी इज इमीजिएट राइट ऑफ बी, तो इसको बोलिए हमारा वर्ड क्या हो सकता है, इमीजिएट राइट। इमीजिएट का मतलब होता है पड़ोसी, बिल्कुल उसके साथ में। अब उसके साथ में तो लेफ्ट भी हो सकता था, राइट भी, तो बिल्कुल उसका पड़ोसी है और राइट साइड में भी है, दो कंडीशन। अगर सिर्फ इमीजिएट वर्ड होता तो यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता, लेकिन इमीजिएट राइट मतलब बिल्कुल उसके साथ में लेकिन राइट हैंड साइड पर। अब सी इमीजिएट राइट हो जाएगा बी का और बी इमीजिएट लेफ्ट हो जाएगा सी का। ठीक है, क्लियर। अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं, ये दिया हुआ है कि हमारी तरफ है डायरेक्शन, तो हमारा क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो लेफ्ट हमारा इस साइड बन जाएगा और राइट हमारा इस साइड बन जाएगा, मतलब हमारी तरफ फेस करके खड़े होंगे। तो आप खुद सोचो, अगर कोई बंदा हमारी तरफ फेस करके खड़ा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मेरा राइट हैंड इधर है तो उसका राइट हैंड उस साइड होगा। खुद आप देखो, ये प्रैक्टिकली एक सोच के इमेजिन करो एक सिचुएशन, फिर सोचो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ भी गिवन नहीं है तो फेसिंग नॉर्थ मतलब आपका राइट साइड इस साइड और लेफ्ट इस साइड, और गिवन है कि हमारी तरफ फेस करके बैठे हैं तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, राइट मेरा ये बनने वाला है और लेफ्ट मेरा ये बनने वाला है। ठीक है, अगर दो रोज है सीक्वेंस की तो अपोजिट तो मुझे पता है कि एफ इज अपोजिट ऑफ ए, इज सीटिंग अपोजिट ऑफ बी, डी इज सीटिंग अपोजिट ऑफ सी। ठीक है, दो रोज सीक्वेंस में मेरा क्या चलने वाला है, ये राइट लेफ्ट है और ये सामने की तरफ बैठे हैं मेरे, तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये मेरी डायरेक्शन, ये टूवर्ड्स अस है तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ठीक है, ये हमारी डायगनली डायरेक्शन हो जाती है और ये डायगनली डायरेक्शन हो गई और ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन हो गई। ठीक है, थोड़ा सा और बताती हूँ एक बार। लीनियर की बात की हमने, लीनियर में फेस डायरेक्शन की बात की, के बाद बोला कि हमें कुछ नहीं बताया, नॉट गिवन, और यहाँ बताया है टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ फेस करके बैठे। अगर हमें कुछ नहीं बताया, अगर तो हमें कुछ नहीं बताया तो ये मेरी राइट साइड हो जाएगी और ये मेरी लेफ्ट साइड हो जाएगी। ठीक है, और अगर बताया है कि मेरी तरफ फेस करके बैठे हैं तो उस केस में ये मेरी राइट साइड हो जाएगी और ये लेफ्ट साइड हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर चार लोगों को बिठा रही हूँ, ए बी सी डी, तो इसको मैं क्या कहूँगी, बी इज इमीजिएट राइट ऑफ ए। ये सब राइट में है लेकिन ये बिल्कुल इमीजिएट राइट है। क्या मैं कह सकती हूँ, बी इज इमीजिएट लेफ्ट ऑफ सी, बिल्कुल पड़ोसी है लेकिन सी के लेफ्ट में है,
बाद एक ही है। इसी तरफ आता है टू रो सीक्वेंस, अगर हमें दी हुई हो कि वो दो लाइनों में बैठे हुए हैं आमने सामने, तो इस लाइन की डायरेक्शन को लिए तो मेरा सेम चला कि ये मेरी लेफ्ट साइड हो गई और ये मेरी राइट साइड हो गई, लेकिन जो इसके सामने बैठे हैं वो अपोजिट हो गए, टूवर्ड्स अस हो गए, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। इनको हम बोलते हैं अपोजिट और इसको हम बोलते हैं डायगनली। टर्म्स क्लियर हैं, उनका मतलब क्लियर है, तो फिर चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है, क्लियर। अब ये हमने बात कर ली लीनियर की, अब अगर सर्कुलर आ जाता है, अब अगर सर्कुलर आ जाता है तो सर्कुलर में वही हमारा डायरेक्शन सेंस वाला रूल जाना है। कैसे जाना है, अभी हमने एक सर्कुलर का क्वेश्चन भी किया था। कैसे चलना है हमें, क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये मेरा क्या होने वाला है, राइट ये लेफ्ट, ये इस साइड चलेगा राइट लेफ्ट, ये इस साइड चलेगा राइट लेफ्ट, ये इधर चलेगा राइट लेफ्ट। तो मैं आराम से इन सबको बिठा सकती हूँ क्योंकि हम कैसे चल रहे हैं सर्कुलर वे में, क्लॉकवाइज। यही चीज वैसे एंटी क्लॉकवाइज आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है तो आपकी डायरेक्शन इधर से इधर चलोगे तो ये राइट बन जाएगा, ये लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। बेटर क्लैरिटी के लिए इसके एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ले रही हूं मैं टू, पहले लीनियर का एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइव डिफरेंट हाउसेज है ए टू ई इन अ रो, एक लाइन में है, ए से ई तक फाइव हाउसेज के नाम दिए हैं। ए इज द राइट ऑफ बी, इमीडिएट नहीं दिया हुआ, राइट साइड पे है, कहीं पे भी हो सकता है। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए यहीं पर। बी इज टू द राइट ऑफ डी, बी डी के राइट में है। विच ऑफ द हाउस इज इन द मिडल ऑफ, विच इज द हाउस इन द मिडल, मिडल में कौन सा हाउस है, बिल्कुल पांच हाउस है तो एक सेंटर पॉइंट तो होना है, मिडल में कौन सा हाउस है, इसका मुझे क्वेश्चन करना है। तो पहले हमने क्या किया, एक लाइन बना ली, ठीक है, फाइव प्लेस बना दो, वन फाइव, ये फाइव प्लेस हमने बना दिए। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए के राइट में, ए राइट में है बी के, तो बी के राइट में हमें ए बनाना है, ठीक है। इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई सी के लेफ्ट में है, अगर मैं ये कहती हूँ ई सी के लेफ्ट में है, क्योंकि मेरी लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, सी के लेफ्ट में होना चाहिए, और राइट ऑफ ए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। बी इज टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट साइड पे बी है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब मिडल में कौन सा हाउस आ गया मेरा, ए, और ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ए, ठीक है। इसके अलावा और इसमें कौन सा डिफरेंट क्वेश्चन हमें दिखता है, एक टू रोज का क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन रीड आउट कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर सेवन पहले रीड आउट कर लो। सिक्स पर्सन हैं, एम एन ओ पी क्यू आर, दो रोज में बैठे हैं, तीन पर्सन एक रो में हैं,
बोथ आर रो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, किसी भी रो में एंड में नहीं आएगा। पी इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट पर सेकेंड है। क्यू इज द नेबर ऑफ क्यू, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, बिल्कुल पड़ोसी है, किसी भी साइड हो सकता है, मुझे ये मेंशन नहीं है कि इमीजिएट राइट है या इमीजिएट लेफ्ट है, बस इमीजिएट दिया हुआ है कि नेबर है। एंड डायगनली अपोजिट टू पी, पी का डायगनली अपोजिट। एन इज द नेबर ऑफ आर, यहाँ भी वही कंडीशन है, लेफ्ट राइट नहीं दिया हुआ। हु इज फ्रंट ऑफ एन, एन के सामने कौन बैठा हुआ है हमें ये बताना है, एन के सामने कौन बैठा हुआ है। तो पहले मैं दो रोज बना लेती हूँ और तीन तीन सीट्स बना लेती हूँ। हमने दो रोज बना ली और तीन तीन सीट्स बना, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन है हमारी, Q इज नॉट द एंड ऑफ एनी रो, किसी भी रो में एंड में नहीं आएगा, तो मतलब ये चार कॉर्नर्स पे तो वो आएगा नहीं, चाहे मैं उसे यहां बिठाऊं चाहे यहां बिठाऊं, कहीं पे भी बिठा सकती हूं, मैं उसे यहां बिठा देती हूं। चलो फिर P इज द सेकेंड द लेफ्ट ऑफ R, R का सेकेंड लेफ्ट है, तो मैं अगर R को यहां बिठाती हूं, क्योंकि क्या कंडीशन क्या है, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड राइट साइड ये लेफ्ट साइड, टू डायगोनल में ऐसे ही चलता है ना, जब टू रोज होती है तब यही चलता है। हाँ, अब हमें दिया हुआ है पी इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, तो यहाँ पे मेरा पी आ गया। ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, तो ओ मेरा यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, अभी मैं लिख लेती हूँ, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इसके अलावा दिया हुआ है ओ नेबर है क्यू का और डायगनली अपोजिट टू पी, पी का डायगनली अपोजिट भी होना चाहिए, उस केस में ओ यहाँ नहीं आएगा, डायगनली अपोजिट का रिलेशन नहीं आ रहा, तो ओ को मुझे यहीं बिठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी डायगनली अपोजिट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। एन इज द नेबर ऑफ आर, इस साइड तो प्लेस है ही नहीं, तो एन को मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा। M के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई, लेकिन M के लिए एक ही जगह बची है, तो M को मैंने यहाँ बिठा दिया। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हु इज फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ N, N के सामने कौन बैठा हुआ है, तो N के सामने कौन बैठा हुआ है, Q, तो ऑप्शन कौन सी जाती है हमारी, B, ऑप्शन जाती है हमारी B कि N के सामने Q है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं सिलोलिज्म, नेक्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं सिलोलिज्म। अगेन सिलोलिज्म के भी हमें कंसेप्ट रिकॉल करने हैं, उसके बाद ही हम क्वेश्चन करेंगे। और सिलोलिज्म और ब्लड रिलेशन दो चैप्टर हमारे बच रहे हैं, जो दोनों चैप्टर हमने परफेक्शन के साथ किए थे, कंसेप्ट करते ही इन चैप्टर्स को हमने बहुत जल्दी और बहुत आराम से कर लिया था, बल्कि सब स्टूडेंट्स ने मेरे साथ साथ खुद से ही चैप्टर किया था, तो इनमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फिर भी एक बार इसके कंसेप्ट रिकॉल कर लेते हैं। सिलोलिज्म मतलब लॉजिकल डिडक्शन, हमें अल्टीमेटली कंक्लूजन निकालना है, कुछ चीज़ हमें दी हुई है, इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, दो तीन कोर्स हमें दिए हुए हैं, उनको हमें प्रेजेंट करके अल्टीमेटली कंक्लूजन पे पहुंचना है, ठीक है। जैसे मुझे दिया हुआ है ऑल चेयर्स आर ट्रीज,
हर सेंटेंस के चार कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं क्वांटिफायर, जो क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। सेकंड वाले को बोलते हैं सब्जेक्ट, वो हमें बताता है किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। थर्ड वाले को हम बोलते हैं कोपुलर, जो रिलेशन शो करता है। थर्ड फोर्थ वाले को बोलते हैं हम प्रेडिकेट, जो हमें बताता है, डिक्लेयर्स द सब्जेक्ट, गिव्स आइडिया क्लासिफिकेशन अबाउट सब्जेक्ट कि वो है क्या। अब क्या हो सकता है कि दो कंडीशन हो सकती हैं, ऑल नो यूनिवर्सल, या तो सबके लिए होगी नहीं होगी, या यूनिवर्सल वो चीज़ अप्लाई होगी, या सम लिखा होगा तो वो पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए हो जाए। ठीक है, अगर हमें दिया हुआ है ऑल ए आर बी, पॉजिटिव सेंस है, मतलब जितने भी ए हैं वो बी का पार्ट है, तो ए हमारा छोटा पा सर्कल हो जाएगा और बी बड़ा सर्कल हो जाएगा। नो ए इज बी, तो कोई रिलेशन नहीं है, दूर बना दिया। सम ए आर बी, तो इंटरसेक्ट करेंगे, पूरा ए हमारा बॉक्स अंदर नहीं बनेगा, कुछ ए बी हैं तो इंटरसेक्टिंग हमारे सर्कल्स बन जाएंगे। सम ए आर नॉट बी, तो हम उन एज वाले एरिया को सर्कल करेंगे जो बी नहीं है, मतलब इंटरसेक्टिंग पे एरिया हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कम्प्लीटली इंक्लूड करता है सब्जेक्ट को, ये कम्प्लीटली एक्सक्लूड करता है, पार्टली इंक्लूड करता है और पार्टली एक्सक्लूड करता है। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं कहती हूँ कम्प्लीटली इंक्लूड करता है, जो ए टाइप है, ए टाइप में मुझे ऑल की जगह क्या क्या वर्ड दिए हो सकते हैं। ऑल की जगह मुझे दिया हो सकता है एवरी, एनी, ईच, एनीवन, ये सारे मैंने आपको बता दिए थे हिडन प्रोपोजिशंस जो इनको रिप्रेजेंट कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि ऑल और सम ही दिया हो, इनके अलावा और प्रेपोजिशंस भी आपको दी हुई हो सकती हैं, मतलब उनका सेम निकलेगा। अब इसका हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो इसका बहुत छोटा सा यही था कि अगर ऑल है तो पूरा सर्कल हमारा इनर बिगर सर्कल के अंदर बन जाएगा, नो है तो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आएगा, सम है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को शेड कर देंगे, और अगर नॉट दिया हुआ है तो इसका मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पार्ट है उसको लेफ्ट आउट कर दो, उसको छोड़ दो, बाकी को शेड कर दो। जिसका हमें ए का दिया हुआ है तो ए में से इंटरसेक्टिंग पार्ट छोड़ के शेड कर दो, बी का दिया हुआ है तो बी का इंटरसेक्टिंग पार्ट छोड़ के उसको शेड आउट कर दो। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में कोई कंसेप्ट है ही नहीं। अब इसका हम कोई क्वेश्चन लेते हैं साइलॉजिज्म का। इसमें हर क्वेश्चंस पर ये सिचुएशंस अप्लाई हो रही हैं, इसके बेस पे हमें करना है कि ए पार्ट ठीक है, बी पार्ट ठीक है, सी ठीक है, सबके ऊपर ये कॉमन है। में फर्स्ट में स्टेटमेंट के बेस पे हम ड्रॉ करते हैं और कंक्लूजन को उससे फिर कंपेयर करेंगे। सम चेयर्स आर ग्लासेस, कुछ चेयर्स ऐसी हैं जो ग्लासेस हैं, मतलब पूरा इंटरसेक्ट, पूरा पार्ट अंदर सर्कल में नहीं जाएगा, सम पार्ट होगा तो इंटरसेक्टिंग हमारे बनने वाले हैं। सम चेयर्स आर ग्लासेस, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है ऑल ट्रीज आर चेयर्स, ऑल ट्रीज आर चेयर्स, तो अब क्या हो सकता है, ट्रीज और ग्लास का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ मेरा, तो एक तो मैं बोलती हूँ कि ये मेरा ट्री वाला सर्कल बन गया, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि कुछ क्लियर कट नहीं है। एक तो मेरा ये वाला पार्ट बन गया, और एक क्या बन सकता है, सम चेयर्स आर ग्लासेस, ऑल ट्रीज आर चेयर्स, तो ट्री वाला सर्कल मेरा यहाँ भी बन सकता था, इसका मतलब कुछ ट्री ग्लास भी मैंने शो किया है, क्योंकि ट्री और ग्लास का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ तो ये पॉसिबिलिटी है, ये भी तो हम बना सकते हैं। या हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये वाला बना दें, कुछ ये वाला बना दें, तो हमने दोनों ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा, हम ऑप्शन को लेफ्ट आउट नहीं कर सकते। अब मैं लिखती हूँ कंक्लूजन वन, कंक्लूजन टू, कंक्लूजन वन, कंक्लूजन, दोनों में हम चेक करेंगे, जो कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई हो जाएगी उसी ऑप्शन को हमें टिक करना है, अदरवाइज नहीं करना। फर्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है
कि कुछ ट्री ऐसे हैं जो ग्लास हैं, मतलब ट्रीज और ग्लास का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ ट्री और ग्लास का कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, यहाँ है। और यहाँ मैं फाइनल बना लेती हूँ अपना कंक्लूजन का, तो फर्स्ट कंक्लूजन बेचारा कट गया क्योंकि दोनों अलग अलग आंसर मुझे कर रहे थे। सेकेंड वाला दिया है सम ग्लासेस आर ट्रीज, सम ग्लासेस आर ट्रीज, तो यहाँ पे कोई भी ग्लास ट्री नहीं है, कट गया। यहाँ पे कुछ ग्लास और ट्री हैं क्योंकि ट्री और ग्लास का सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट्री हो रहे हैं, अलग अलग आंसर दे रहे हैं, तो ये भी कट गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में से कोई भी कंक्लूजन करेक्ट नहीं है, तो नीदर वन नॉर टू, तो ऑप्शन कौन सा जाता है मेरा, ऑप्शन डी। तो मतलब क्वेश्चन ईजी जरूर है, बहुत ज़्यादा ईजी है टॉपिक, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर पॉसिबिलिटी है उस चीज़ को मैं किसी और तरीके से दिखा सकती हूँ, तो आपको वो प्रेजेंट करना है और फिर फाइनल आंसर पे पहुँचना है। सिर्फ इसको बना के आप फाइनल आंसर पे नहीं पहुँच सकते, या सिर्फ इसको बना के आप फाइनल आंसर पे नहीं पहुँच सकते, दोनों से आपके आंसर मैच कर रहे हैं, हो सकता है तीन भी बन रहे हों, तो आप तीनों बनाओगे और फिर फाइनल आंसर पे पहुँचोगे, ठीक है। तो एक के बेस पे आपको नहीं डिसीजन लेना, कंक्लूजन निकालने के लिए जितनी पॉसिबिलिटीज हैं आपको सारा ड्रॉ करना है यहाँ, ठीक है, क्लियर। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं, ऑल वाला लेते हैं कोई क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है, ऑल पेंस आर डॉग्स और सम पेंस आर लाइट्स। तो पहले हमें सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के ड्रॉ करना है, कंक्लूजन की बात हम बाद में करें। एट क्वेश्चन, ऑल पेंस आर डॉग्स, सॉरी, के बाद दिया हुआ है सम पेंस आर लाइट्स, ऑल पेंस आर पेंस के लिए, ऑल पेंस आर डॉग्स एंड सम पेंस आर लाइट्स। तो सम पेंस आर लाइट्स तो मुझे दिया हुआ है, लेकिन लाइट और डॉग के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, लाइट एंड डॉग के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, इसका मतलब लाइट का सर्कल मेरा ऐसे बन सकता है, ये फर्स्ट ड्रॉ हो गया। पेंस और डॉग का रिलेशन तो क्लियर है, वो एक ही तरह से बन रहा है, लेकिन लाइट और डॉग्स का कोई रिलेशन मुझे नहीं दिया हुआ, तो उसको मैं दो तरीके से बना पा रही हूँ, ठीक है, बना लिया। अब हम लिखते हैं कंक्लूजन वन, कंक्लूजन टू, कंक्लूजन वन, कंक्लूजन टू, और फिर फाइनल आंसर कंक्लूजन वन, कंक्लूजन। अब देखते हैं कंक्लूजन है क्या, सम डॉग्स आर लाइट्स, कुछ डॉग ऐसे हैं जो लाइट्स हैं, कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो लाइट्स हैं, बात ठीक है, डॉग के सर्कल के अंदर ही लाइट का सर्कल है, तो यहाँ पे ठीक है, कुछ डॉग ऐसे हैं जो लाइट्स हैं, ठीक है, तो ये कंक्लूजन मेरा क्या जाता है, फाइनली करेक्ट चला जाता है, ये कंक्लूजन मेरा फाइनली करेक्ट चला जाता है। अगला है सम लाइट्स आर नॉट डॉग्स, लाइट का सर्कल तो पूरा इसके अंदर है, नॉट वाली तो कंडीशन होती तो ये बाहर जा रहा होता, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो गया, लेकिन यहाँ पे लाइट का सर्कल मेरा डॉग के सर्कल से बाहर जा रहा है, मतलब कुछ लाइट्स ऐसी हैं जो डॉग नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक आ जाता है, दोनों अलग अलग आंसर दे रहे हैं तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा, तो ओनली वन इज ट्रू, ओनली वन फॉलोज में हमारा ऑप्शन जाता है ऑप्शन ए। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला है इस चैप्टर का, कि चैप्टर इजी है, लॉजिकली आपको समझ में आ गया है, लेकिन आपको स्टेटमेंट की जितनी पॉसिबिलिटीज वे से प्रेजेंट कर सकते हो आपको उतनी तरीके से प्रेजेंट करना है और फिर फाइनल डिसीजन लेना है कि हाँ आपका जो कंक्लूजन है वो वैलिड है या नहीं है। सिर्फ एक ड्रॉ करके आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, अदरवाइज तो सबके आंसर वैरी करते रहेंगे, कोई ये वाला बना देगा, कोई ये वाला बना देगा, और अगर तीसरा भी पॉसिबल है सिचुएशन में तो कोई तीसरा बना देगा, तो हमें वो ऑप्शन नहीं रखना है, हमें सारे ड्रॉ करने हैं और सबका लमसम मिला के फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि क्या कंक्लूजन ठीक है और क्या गलत है, ठीक है। बस इस चैप्टर में आपको ये बात ध्यान रखनी है, और ये ध्यान रख लोगे तो फिर इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर और लॉजिकल रीजनिंग के लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, तो वो चैप्टर है हमारा ब्लड रिलेशन। एज अ इंडियन हम सब लोग रिलेशंस पे
थोड़ा बहुत तो क्लियर होते हैं, थोड़ा बहुत हमें स्टेटमेंट जिस तरह से कंफ्यूजिंग वे में दी हुई है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एज सच हम 50% तक रिलेशन हमें पता होते हैं, थोड़ा सा उनको और फैमिली ट्री से बना के समझ लें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो कोई इशू है ही नहीं, अगर आप फैमिली ट्री से रिलेशंस को समझ लेते हो। तो रिलेशन के चैप्टर में पहले हम रिलेशन देगा एक बार फैमिली ट्री समझ लेते हैं, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट में हमने किया रिलेशन या तो बाय बर्थ बन सकता है या बाय लॉ। बाय लॉ में हमने किया मैरिज, आफ्टर मैरिज जो हमारे रिलेशन बनते हैं उसको हमने इसके अंदर डाला है, और भी होते हैं लेकिन बाकी सब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो रिलेशन बाय बर्थ और रिलेशन बाय लॉ हम इसमें डाल रहे हैं। लॉ में सिर्फ मैरिज वाला रिलेशन हम डाल रहे हैं, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स हमारे ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, ये सिबलिंग्स हो जाते हैं। लाइफ पार्टनर वंस हस्बैंड और वाइफ, उसको हम स्पाउस भी कहते हैं। मदर साइड का जो रिलेटिव्स होते हैं उसे मैटरनल रिलेशन कहते हैं, और पेरेंट्स फादर साइड के होते हैं उसे पेरेंटल रिलेशन। हम इसको ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली शो करने के लिए कुछ नोटेशन यूज करते हैं। मेल है तो रेक्टेंगुलर बॉक्स, फीमेल है तो स्क्वायर बॉक्स, सर्कल बॉक्स, अगर मैरिड है तो डबल लाइन, और सिबलिंग्स हैं तो सिंगल लाइन। सेम जनरेशन को करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन में काम करेंगे, और हम जनरेशन गैप की बात करेंगे तो हम वर्टिकल चलेंगे कि ग्रैंडफादर था, मदर, ही, फिर मेरे बच्चे, ऐसे नीचे चलता जाएगा। तो अगर हम जनरेशन गैप की बात चलेंगे तो वर्टिकल चलेंगे, और सेम जनरेशन पर हम बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में चलेंगे, ठीक है, क्लियर। ये बॉय और गर्ल सिबलिंग्स है, ब्रदर सिस्टर हैं, की मदर फादर, ये मदर साइड का रिलेशन आ गया, मदर का ब्रदर, मदर की सिस्टर, मदर के फादर, मदर की मदर, मदर की ग्रैंड फादर मदर, ये मदर के साइड के, सेम रिलेशन हमारा फादर के साइड का आ गया। मदर के साइड को मैटरनल साइड कहेंगे और फादर के साइड को पेरेंटल साइड कहेंगे। अब बॉय की शादी हो गई बाय लॉ, गर्ल से शादी हो गई, तो अब गर्ल की फैमिली के जितने भी रिलेशंस होंगे वो उसके रिलेशन बन जाएंगे, और हर रिलेशन के आगे हमारा क्या इन लॉ जुड़ जाएगा। ऐसे ही सिस्टर या गर्ल की शादी हो गई, उनकी बेटी की शादी हो गई, तो बाय लॉ जो बॉय के रिलेटिव्स होंगे वो रिश्तेदार बन जाएंगे उसके, और उनके आगे क्या लग जाएगा, इन लॉ लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। पेरेंटल साइड में भी हमारे ये रिलेशन होते हैं और ये हमारे मैटरनल साइड के रिलेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 5। ही इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, हस्बैंड वाइफ के लिए हमें डबल लाइन का रिलेशन यूज कर रहे हैं। आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, व्हाट इज आर टू पी, आर और पी में क्या रिलेशन है तो ये बताना। पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, P is the husband of the rectangular box of Q. And R is the mother of S and Q.
एस और क्यू दोनों की मदर है हमारी आर। अब इसमें हमें ये नहीं बताया कौन ब्रदर है कौन सिस्टर है, ये तो हमें बताया ही नहीं है। तो आर और पी में क्या रिलेशन है? आर और पी में पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी क्यू का हस्बैंड है, आर मदर है एस एंड क्यू की, आर मदर है एस एंड क्यू, ये हमारा जनरेशन आ गई। एस का हमें जेंडर नहीं दिया हुआ तो एस को हमने ऐसे बना दिया, क्यू का जेंडर हमें पता है। अब हमें पी और आर का रिलेशन, तो पी और आर का क्या रिलेशन जाता है कि वाइफ की मदर है, कि वाइफ की मदर है तो इसकी मदर लगी कैसे, बाय मैरिज, तो बाय क्या लगी, मदर इन लॉ। तो कौन सा ऑप्शन जाता है इसमें हमारा, डी, वाइफ की मदर है तो क्या लगी, मदर इन लॉ। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में ए इज बी इज ब्रदर, ए बी का ब्रदर है, ए इज बी इज ब्रदर, तो ए तो का जेंडर तो मुझे पता चल रहा है, बी का जेंडर मुझे अभी नहीं पता। ए इज बी इज ब्रदर, देन सी इज ए इज मदर, सी ए की मदर है का बना दिया हमने, डी इज सी इज फादर, डी इसका फादर है तो हमने मेल का बना दिया, ई इज बी सन, बी का बेटा है, ई इज सन डी सी इज फादर, एफ इज ए सन, एफ का बेटा है, हाउ इज एफ इज रिलेटेड टू डी, एफ का डी से क्या रिलेशन है, ये इसका फादर, फादर की मदर मतलब ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर की पहले जनरेशन ग्रैंड ग्रैंड फादर, तो लेकिन एफ का रिलेशन बताना है तो क्या बन जाएगा, ग्रैंड ग्रैंड सन। डी के लिए पूछा होता तो ग्रैंड ग्रैंड फादर बोलते, ए के एफ के लिए पूछा है तो ग्रैंड ग्रैंड सन बोलेंगे, और ऑप्शन कौन सी जाती है, ऑप्शन सी। तो इस तरह से सिर्फ आपको ये देखना है कि वर्टिकल जाना है या हॉरिजॉन्टल, सर्कल और रेक्टेंगुलर से हमें जेंडर क्लियर हो जाता है और इस चैप्टर को टॉपिक को हम आराम से कर लेते हैं। इस तरह से हमने अपने लॉजिकल रीजनिंग के सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया, सारे चैप्टर्स आपके क्लियर हो गए। आपको बस क्या करना है, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से गो थ्रू करना है। दूसरा, कभी भी लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को सिर्फ आप इन पिन सेफ्टी पिन या तुक्के से करने की कोशिश मत करना, उसमें प्रॉपर लॉजिक लगाना और फिर करना, हार्डली आपको 5-10 सेकेंड्स लगेंगे और क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप बिना किसी कन्फ्यूजन के और डाउट के उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। आपको इस पेपर को, इस सेक्शन को 20 out of 20 का लॉजिक लेके ही रीड आउट करना है, इससे कम में काम नहीं चलेगा, इतना स्कोर करना ही करना है। और जो थम्सअप का मैंने आपको बोला हुआ है वो थम्सअप मार्क मुझे आपका चाहिए एग्जाम के बाद। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा पेपर करना, बहुत ज़्यादा अपनी अच्छे से एफर्ट्स डालो, ये लास्ट मोमेंट है और इस टाइम की एफर्ट्स आपकी बहुत काम करनी है। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, क्वालिटी एफर्ट्स या स्मार्ट स्टडी की तरह से काम करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में या उनको गो थ्रू करने में कोई भी लीनियंसी नहीं होनी चाहिए, उन्हें अच्छे से करो तो आप आराम से इस पेपर को, क्या पूरे सीए फाउंडेशन के पेपर को आराम से कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस अपने जो एफर्ट्स हैं उन्हें 100%। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।